हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूट क्लासेज। आज इस वीडियो में बच्चा हम पढ़ने जा रहे हैं आपके साइंस का थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं और जरूरत क्या पड़ा यहाँ पे दो नेम का। तो बच्चा, जैसे कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि जो मैटर होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में और इम्प्योर फॉर्म में। मैटर का जो इम्प्योर फॉर्म होता है उसे मिक्सचर कहते हैं और मैटर का जो प्योर फॉर्म होता है उसे हम बच्चा सबस्टांस कहते हैं। सबस्टांस अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है बच्चा? जैसे कि वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सब कंपाउंड है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वो एक कंपाउंड है क्योंकि वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। भाई मास फिक्स रेशियो में कंबाइंड होता है, ऐसा आपने पीछे नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहाँ पे आपने एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, मतलब नाइन्थ में आपने एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। बच्चा, एलिमेंट्स किसी भी मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सबस्टांस में तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी एलिमेंट्स अपने आप में मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म होते हैं, सबसे एलिमेंट्री फॉर्म होते हैं और सबसे सिंपल फॉर्म बोल लो होते हैं। जैसे कि हमें नेचर में कोई भी चीज बचा मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। मिक्सचर में वेरियस टेक्निक लगा के हम जब मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर्स के वेरियस कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चा? एलिमेंट्स मिलते हैं या कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि जो सी वाटर है, सी वाटर बच्चा, सी वाटर में सॉल्ट है और क्या है? वाटर है। वाटर को में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वाटर दो सिंपल चीजों में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और सिंपल करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये अपने आप में सबसे सिंपल है। तो वैसे मैटर के सिंपलेस्ट फॉर्म जिनको किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा और ज्यादा सिंपलर सबस्टांस में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वैसे सबस्टांस को बच्चा हम एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे आज खोजते खोजते हमारे पास बच्चा करीब करीब 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, मतलब 118 एलिमेंट के बारे में आज पता चल चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें से कुछ मैनमेड है बट मोस्ट ऑफ देम आर नेचुरली अकरिंग। ठीक है, नेचर में ऐसे ही अकर करते हैं, जैसे कॉपर, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लेड, आर्गोन, ब्रोन, कार्बन, ये सब क्या है बच्चा? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब चूंकि 118 एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग है, उनका कलर, उनका टेक्सचर, सब चीज अलग अलग है, तो इजिली स्टडी कैसे करें? तो बच्चा साइंस में एक काम किया जाता है, ग्रुपिंग, सिमिलर चीजों का ग्रुपिंग बनाना। तो जो 118 एलिमेंट्स है सबके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, तो इनको आसानी से स्टडी करने के लिए, इजी तरीके से स्टडी करने के लिए इनका एक ग्रुपिंग किया गया। तो इनको ना तीन मेनली ग्रुपों में बांटा गया है एलिमेंट्स को, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। चैप्टर का नाम है बच्चा मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो हमें उन्हीं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। सारे मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स के बारे में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स है, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं या नहीं भी यूज होते हैं कुछ, वैसे सारे एलिमेंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट्स है उनके बारे में पढ़ना है। बाकी जो एलिमेंट्स है उनको और हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, तो कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो एलिमेंट्स को बच्चा थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। अब क्वेश्चन उठता है कि मेटल किसे कहते हैं? तो बच्चा जिनमें ये सारा प्रॉपर्टीज हो, लस्ट्रस जो चमकता हो, सॉलिड सॉलिड हो, हार्ड हो, कंडक्टिंग करता हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, डक्टाइल यानी उसको वायर में बदला जा सकता हो, मेलेबल यानी उसको पीट पीट के उसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता हो, सोनरस
जो अच्छा साउंड देते हो और मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या हो बच्चा, हाई हो। तो इनमें से अगर बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी एलिमेंट्स में है तो वो मेटल कहलाएगा, अदरवाइज बच्चा वो नॉन मेटल कहलाएगा। यानी ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रेड बॉक्स में दिए हुए हैं ये मेटल्स में, सारे मेटल्स में लगभग होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकता है अभी आगे हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन जो नॉन मेटल है इनमें ये सभी बातें नहीं होता है, इनमें भी एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बच्चा, एक्सेप्शन क्या होता है, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम बेस्ट ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि मतलब सारे उस ग्रुप में सेट हो जाए, कुछ एक दो हटके होते हैं तो उनको एक्सेप्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं सारे जो मेटल्स होते हैं बच्चा सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, तो सारे मेटल से थोड़ा हटके है, फिर भी उसको मेटल इसलिए कहा जा रहा है कि बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक से कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस वगैरह वो फॉलो करता है, एक तो इधर उधर का हो जाए तो उसको हम मेटल ही मानेंगे। तो बच्चा वही नॉन मेटल में ये सारी बातें नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देन हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेटा नॉन मेटल, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल का एंड नॉन मेटल का। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अगर मेटल की बात करें तो बच्चा यहाँ पे मेटालिक लस्टर की मतलब क्या होता है, जितने भी मेटल है अपने प्योर स्टेट में बच्चा, उनमें कोई ना दाग नहीं लगा हो, मतलब वो प्योर स्टेट में हो, प्योर हो, तो वो सब के सब चमकते हुए उनके पास सरफेस होता है, जैसे गोल्ड, मरकरी, इवन तुम्हारा आयरन, कोई भी मेटल अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो बच्चा उसका सरफेस शाइन करता है। यानी मेटल लस्टरस होते हैं, इस प्रॉपर्टी को ही बोला गया है मेटालिक लस्टर। जैसे कि आयरन की अगर बात करें, डेली लाइफ में आप आयरन को देखते हो, उसको उसका इजिली रस्टिंग हो जाता है, तो उस पर परत जम जाता है, इसीलिए वो चमकता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वो प्योर अब नहीं रहा। अगर कोई मेटल प्योर है, अगर आप स्क्रैच पेपर से, सैंड पेपर से उसका रस्ट हटा दो तो वो भी शाइन करता है। तो यहाँ पे जितने भी मेटल है बच्चा अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो शाइनिंग सरफेस रखते हैं, और इसी प्रॉपर्टीज को बच्चा बोला गया है मेटालिक लस्टर। सेकेंड जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि जितने भी मेटल है सब के सब हार्ड होते हैं, वो बात अलग है कि इनका हार्डनेस वैरी करेगा, यानी आयरन उतना हार्ड नहीं होगा जितना कि गोल्ड होगा, या गोल्ड उतना हार्ड नहीं होगा कि जितना कि सिल्वर होगा, सबकी हार्डनेस अलग अलग होगा, बट सारे मेटल्स हार्ड ही होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन आ गया, कुछ मेटल जैसे कि अल्काइली मेटल्स, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अल्काइली मेटल्स का मतलब ये होता है कि ये पानी में घुलेंगे ना तो बेस बना लेते हैं, आपने एसिड बेस में पढ़ा होगा कि ये जो मेटल्स हैं बच्चा सोडियम पोटेशियम, ये आगे अभी हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे, इनको अल्काइली मेटल्स इसलिए कहा जाता है कि पानी में जब इनको डालोगे तो ये बेस बना लेते हैं, और घुला हुआ बेस, डिजॉल्व बेस को बच्चा अल्काइली कहते हैं, तो यही रीजन है। तो यहाँ पे ये काफी सॉफ्ट होते हैं, अनलाइक जितने भी मेटल हार्ड होते हैं उसके एक्सेप्शन में ये बच्चा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, देन कैन बी कट विथ ए नाइफ, इनको ऐसे नाइफ से ऐसे इजिली कट किया जा सकता है बर्थडे केक की तरह। मेल्टिंग पॉइंट बच्चा मेटल का बहुत हाई होता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन को पिघलाने के लिए करीब करीब 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि बच्चा गैलियम एंड सेजियम, गैलियम एंड सेजियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, थोड़ा कम नहीं बहुत ही कम होता है। दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम, अगर इनको हाथ पे ले लो तो ये मेल्ट कर जाएंगे, इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप गैलियम को देखो, ये 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे पिघलना शुरू कर देगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बच्चा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये तो 30 डिग्री पे ही पिघलना शुरू कर दे रहा है, उससे भी कम करीब 28.5 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलना शुरू कर देता है आपका सेजियम। तो ये एक्सेप्शन आ गया ना, सारे मेटल बच्चा पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि गो आयरन, तुम्हारा कॉपर, इनको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बट ये उल्टे रूम टेम्परेचर आते आते ये
मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर यानी बॉडी के टेम्परेचर पे ये लिक्विड बन जाते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है बच्चा, किसी भी मेटल को अगर हार्डली पीट करोगे, पीटोगे उसको, तो वो सीट में बदल जाता है। अगर आप लोहार के दुकान पे अगर आप जाते हो तो वो कुदाल कैसे बनाता है, तो एक आयरन ऑब्जेक्ट लेता है और उसको पीट पीट के उसको प्लेट में बदल देता है। जो शेड लगे रहते हैं वो सब मेटल के बने होते हैं, वो सीट के फॉर्म में कैसे बने हैं, तो उनको जस्ट बीट करके वैसे बनाया गया है। तो मेटल को बीट करके सीट में बदलने वाली जो प्रॉपर्टीज होता है उसी को बच्चा मेलेबिलिटी कहा जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं सबसे ज्यादा मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है बच्चा, मेटल को खींच कर वायर में बदलना। एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन टू थीन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, किसी मेटल को थीन वायर में बदलना डक्टिलिटी कहलाता है। सबसे जो डक्टाइल मेटल होता है बच्चा वो गोल्ड होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा उठाएगा आपके एग्जाम में, जो एक्सेप्शन है वो वहां से क्वेश्चन उठाएगा, या जो बेस्ट बातें हैं, बेस्ट बातें हैं, जैसे कि गोल्ड सबसे बेस्ट डक्टाइल होता है, तो गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि उसके करीब 1 ग्राम गोल्ड से ही 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। सोच लो कितना डक्टाइल होता है, 1 ग्राम गोल्ड से बच्चा 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। मेटल हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। अगर मेटल के एक एंड को आप गर्म करो तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। इसीलिए कुकर, जो खाना पकाने वाला बच्चा कुकर होता है, उसके हैंडल में एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रहता है जो हीट को कंडक्ट नहीं होने देता है, ताकि हम इजिली उसको हैंडल कर पाए। मेटल को अगर एक एंड को गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो हीट कंडक्ट करेगा और दूसरा एंड भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, याद रखना सबसे अच्छा वाला कंडक्टर बच्चा सिल्वर है एंड कॉपर है। सबसे खराब जो कंडक्टर है बच्चा वो है लेड एंड मरकरी। ये यहां से क्वेश्चन उठा सकता है, ये पार्ट आपको याद होना चाहिए। मेटल बच्चा इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल में के जो एटम्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा गया है। और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर बैटरी से जोड़ा जाए तो मेटल के अंदर दौड़ना शुरू कर देते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि करंट फ्लो करता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर बचा सिल्वर है। आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि सिल्वर के पास सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है, सबसे कम रेसिस्टिविटी बचा सिल्वर के पास होता है, यानी ये सबसे अच्छा वाला कंडक्टर होता है। फिर भी हम इसका वायर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये कॉस्टली है। उसके जस्ट नीचे कॉपर आता है तो कॉपर का हम वायर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द वायर डेट कैरी करंट इन होम हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। घर में आपने जो वायर देखा होगा उसके ऊपर एक कोटिंग होता है पीवीसी, जो कि एक तरह का रबड़ या प्लास्टिक जैसा होता है, जिसका पर्पस होता है सेफ्टी के लिए, ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो या किसी के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसको करंट ना लगे। इसलिए पीवीसी या कोई प्लास्टिक या रबड़ जैसा मटेरियल का लेयर होता है। जितने भी वायर होते हैं घरों में वो मेटल के बने होते हैं। ज्यादातर वायर कॉपर के बने होते हैं, उससे थोड़ा कम सस्ते वाले होते हैं एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। अब मेटल में एक और भी प्रॉपर्टी है बच्चा, कि जब इसको आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करोगे, इसको ठोकोगे, ठीक है, इसको पीटोगे, तो बच्चा ये अच्छा साउंड निकालता है, गुड साउंड, स्वीट साउंड प्रोड्यूस करता है। ये मेटल के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसीलिए स्कूल बेल बच्चा किसका बना रहता है, मेटल का बना रहता है। दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल की बात करें, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन वगैरह, ये जो नॉन मेटल है ये इनमें ना मेटल वाली बातें नहीं होता है। यानी जो नॉन मेटल है वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, कंडक्टर नहीं होता है, सारा चीज में नट लगा दो, मेटल में जो बातें हैं वो इनमें नहीं होता है। बट यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल दिया है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह। जितने भी नॉन मेटल है बच्चा वो या तो सॉलिड या तो गैस होते हैं, ठीक है, एक ब्रोमीन को छोड़ के।
जितने भी नॉन मेटल है याद रखना सॉलिड या तो गैस होते हैं, जैसे कि सॉलिड के अंदर आ गया कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब बच्चा सॉलिड है। और जो गैसेस वाले हैं वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियोन, ये सब क्या है बच्चा, नॉन मेटल ही है गैस फॉर्म में। तो मेटल में देखा जाए, नॉन मेटल में देखा जाए तो या तो सॉलिड है या तो गैस है, बट इसका एक्सेप्शन है बच्चा एक ब्रोमीन, जो कि लिक्विड होता है। याद रखना मेटल में एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। सारे मेटल सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल में बात करें तो ये सॉलिड और गैस होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ब्रोमीन है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल बच्चा चमकते नहीं है, बट इसका एक्सेप्शन है आयोडीन एंड डायमंड। ठीक है, आयोडीन और डायमंड ऐसे नॉन मेटल है जो साइन करते हैं। डायमंड बच्चा कार्बन का एक फॉर्म होता है, एलोट्रॉप्स होता है, यानी जो ग्रेफाइट है, जो डायमंड है, ये सब कार्बन के बने हुए हैं। अलग अलग कंडीशन में बने हुए हैं, इसलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, बल्कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अगर आप डायमंड को भी जलाओगे, आप अगर ग्रेफाइट को भी जलाओगे, तो दोनों जलेंगे और CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे, CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे, यानी केमिकली दोनों सेम है। डिफरेंट कंडीशन में बना है, डायमंड जब बना है उस समय प्रेशर टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, वही जो ग्रेफाइट बना है उस समय कुछ और रहा होगा, इसीलिए इनका जो फिजिकल रूप है वो अलग अलग है, बट केमिकली दोनों कार्बन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नॉन मेटल बच्चा लस्ट्रस नहीं होते हैं, तो इसका एक्सेप्शन में आ गया आयोडीन, और तुम्हारा क्या आ जाता है बच्चा, एक आ गया डायमंड ले लो। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसके हर एक फॉर्म को बच्चा हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, डायमंड के मतलब कार्बन के दो डिफरेंट फॉर्म है, जैसे कि डायमंड जो कि बच्चा सबसे नेचुरली हार्डेस्ट मटेरियल होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वही कार्बन का एक और दूसरा फॉर्म है एलोट्रॉप्स है, जो कि है बच्चा ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे एलिमेंट को हम ग्रुपिंग कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल, तो बहुत सारे बच्चा एक्सेप्शंस आ रहे हैं। तो हमें ना एक बार इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी के तरफ जाके देखना होगा कि क्या केमिकल प्रॉपर्टी जो है सभी मेटल का एक जैसा है या अलग अलग है। और उनकी और तो अब हम यहां से पढ़ेंगे बच्चा डैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और साथ साथ थोड़ा सा हम नॉन मेटल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हालांकि सिलेबस में नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चा चार केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, जैसे कि एसिड बेस में 5 केमिकल रिएक्शंस पढ़ना था, यहाँ पे टोटल 4 पढ़ना है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे क्या रिएक्शन करते हैं, मेटल जब पानी में होते हैं तो उनके साथ क्या रिएक्शन होता है, मेटल का किसी एसिड और बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन तो हमने पहले ही एसिड बेस चैप्टर में देखा है, और मेटल का किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने एक आयरन ले लिया, दूसरा मेटल का एक सॉल्ट ले लिया जैसे कि कॉपर सल्फेट और इसका सॉल्यूशन बना दिया, तो क्या होता है, ये भी रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। तो काफी चीज इसमें आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में और सेकेंड चैप्टर में। तो चलो एक एक करके थोड़ा सा यहाँ पे हम डीपली देखेंगे कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ क्या बर्ताव है, किस तरह से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे जितने भी मेटल्स है, लगभग सारे मेटल्स, लगभग बच्चा सारा मेटल्स ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अगर सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, अगर करेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन तो ऑक्साइड बनाएगा, उस मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, ये तो कंफर्म है। नहीं रिएक्शन होगा तो बातें नहीं है, तब तो कुछ बनना ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि कॉपर को अगर हीट करोगे, ये पहला चैप्टर में हमने रिएक्शन पढ़ा था, इसको पहला चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जब कॉपर को बच्चा आप एयर में हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और कॉपर 2 यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। कॉपर का बच्चा 2 वैलेंसी होता है, 1 भी और 2 भी। तो यहाँ पे कॉपर 2 वैलेंसी यूज करते हुए
यहाँ पे जो बनाता है ऑक्साइड वो होता है CuO, यानी कॉपर को गर्म करोगे तो बच्चा, ये मैंने एक्टिविटीज करके शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाला हुआ है, अब जाके वहां पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपर को अगर हीट करते हो ना तो वो काला पड़ जाता है, उसका कलर होता है बच्चा ब्राउन, ब्राउन रंग दी, ब्राउन कलर होता है, और जब गर्म करोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर ने एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड का एक काला परत जमा लेता है। जिस तरह से मैग्नीशियम को जलाओगे वो उजला ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड व्हाइट कलर का है, वही कॉपर का जो ऑक्साइड है ना वो ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड एक परत जम जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है, वही एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। कोई भी मेटल उठा लो, कोई भी मेटल उठा लो, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और कुछ बनाएगा ही नहीं। अगर रिएक्शन करेगा तो बच्चा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे जो मेटल का ऑक्साइड होता है, थोड़ा सा उनका नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। हमने बच्चा पिछले चैप्टर में यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो पानी में घुल जाते हैं और हाइड्रोऑक्साइड आयन रिलीज करते हैं। यानी अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड को, अगर इसको पानी में डालोगे तो ये घुल कर बना लेगा सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, और क्या रिलीज करेगा बच्चा? हाइड्रोऑक्साइड आयन। तो बच्चा बेस का परिभाषा यही था, बेस उसी को कहते हैं जो पानी में डिजोल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो पिछला चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड बच्चा बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। बट हियर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट स्टडी करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मेटल के ऑक्साइड, सारे नहीं, कुछ मेटल के ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। यानी मेटल के ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और सॉल्ट और वाटर देते हैं, यानी ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। सॉल्ट एंड वाटर का बनना बच्चा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। तो बच्चा यहाँ पे ये जब एसिड है तो जरूर ये क्या होगा बच्चा? बेस जैसा ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि ये सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और इस रिएक्शन को हम लोग बच्चा क्या बोल रहे थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट वाटर बन रहा है, एसिड है, इसका मतलब ये वाला बेस जैसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन हैरानी तो तब हो गया जब यह पाया गया कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इस बेस के साथ भी रिएक्ट करके कुछ एक विचित्र प्रकार का सॉल्ट यानी सोडियम एल्युमिनेट बनाता है और वाटर बनाता है। बैलेंस अगर नहीं है तो आप करके देख लेना है, ये तो मैंने पहला चैप्टर में सिखाया है। तो यहाँ पे बच्चा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है बेसिक नेचर का बर्ताव कर रहा है, यहाँ पे क्योंकि बेस से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे एसिड जैसा बर्ताव कर रहा है। यानी एक ही ऑक्साइड है, बोथ एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है। यानी कुछ यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से बर्ताव कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड को बच्चा हम लोग बोलते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड, यानी वैसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों जैसा बर्ताव करे, यानी वो एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है और बेस से भी रिएक्ट कर लेता है। तो ऐसे ऑक्साइड को बच्चा एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आपके बुक में दो एग्जाम्पल दिया है एम्फोथेरिक ऑक्साइड का, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और बच्चा एक जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, दोनों एग्जाम्पल को याद रखना है। उसके बाद बच्चा मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं। ऑब्वियसली जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके जो ऑक्साइड है ना पानी में घुल जाते हैं, लेकिन अधिकांश मेटल के ऑक्साइड पानी में नहीं घुलता है। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये पानी में नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड है जो कि जैसे कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है उनके ऑक्साइड पानी में घुलकर बेस बनाते हैं। अब कह रहे कि क्या ऑल मेटल डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद सेम रेट? क्या सभी मेटल बच्चा ऑक्सीजन से रिएक्शन एक ही रेट से करते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया कि लगभग सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। कुछ एक तो होंगे जैसे गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन लगभग सारे मेटल बच्चा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं।
ठीक है कर लेते हैं, लेकिन क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का जो रेट है सबका सेम है, सब एक ही रेट से रिएक्शन कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। यह पाया गया है कि जो पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको ओपन में छोड़ दिया जाए, जैसे कि हम आयरन के बच्चा विंडोज गेट गैलरीज बना लेते हैं, ये ओपन में रहते हैं, बड़ा होगा तो इन पे रस्टिंग होगा, ब्लास्ट तो नहीं करेंगे एटलीस्ट। लेकिन पोटेशियम सोडियम ऐसे मेटल है कि ये अगर इनको ओपन में छोड़ दोगे तो ये विग्रोसली बहुत भयानक तरीके से आग पकड़ लेते हैं, और इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बच्चा हम किरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा तो सर किरोसिन में क्यों, ये तो और आग लगाता है। तो बच्चा आग लगने के लिए कंडीशन है, आग लगने के लिए ना तीन चीजें होना जरूरी है। एक तो बच्चा फ्यूल होना चाहिए, कुछ जलने वाला होना चाहिए ना, तभी तो आग लगेगा। दूसरा चीज कि उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए, और उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर, हर चीज ये बच्चा एक डेफिनेट टेम्परेचर पे आग पकड़ता है। तो ये तीन चीजें पूरी होना चाहिए। अब अगर सोडियम पोटेशियम लिथियम को पानी में डुबो के रखते हैं, पानी में जब डुबो के रखते हैं, सॉरी पानी में नहीं बच्चा, किरोसिन में, किरोसिन में जब डुबो के रखते हो तो किरोसिन क्या करता है ना कि ऑक्सीजन जाने ही नहीं देता है नीचे, यानी ऑक्सीजन जो हवा में है वो नीचे सोडियम के पास जा ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकता। तो जब ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो आग लगेगा नहीं। अब वो बात अलग है कि किरोसिन में अगर आग लग गया तो और बूम से लहकेगा। अब यहां पे ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रहा है, वो तो बच्चा किरोसिन का काम है ऑक्सीजन को जाने ही ना दे, ना रहेगा बांस ना बजेगा बसुड़ी, वो वाली बात है। जब ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो आग कैसे पकड़ेगा। हाँ, अगर किरोसिन में रखे हैं आग पकड़ लिया तब तो भाई किरोसिन भी वहां पे घी की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? करता क्या, किरोसिन की ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं देता है। अब बात करते हैं बच्चा तुम्हारा मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड लेड का। ये जो मेटल्स है बच्चा, ये जो मेटल्स है ये विग्रोसली आग तो नहीं पकड़ते, बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मली कहीं पे अगर मैग्नीशियम ये सब रख दो तो ये इनके सरफेस पे ना मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, यानी इनका जो सरफेस है ना एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स जम जाता है। जैसे अगर मैग्नीशियम है ना तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर जम जाता है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड जम जाएगा, जिंक है तो जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की परत, यानी जो मेटल है उसी मेटल के ऑक्साइड का एक लेयर डिपोजिट हो जाता है, एक पतला सा लेयर डिपोजिट हो जाता है, और ये लेयर बच्चा अंदर ऑक्सीजन जाने से रोकता है, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन से मेटल को बचाता है। ये खुशखबरी है कि ये मेटल, जब इन मेटल पर इन्हीं के ऑक्साइड जम जाता है तो अंदर का जो मेटल है ना वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, यानी अब वहां ऑक्सीजन जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो ऑक्साइड का लेयर है एक बैरियर की तरह काम करेगा, अंदर वाले जो हिस्से में जो मेटल है वहां पर ऑक्सीजन जाने नहीं देगा, और इस तरह से ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होते हैं, इनको प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर कहा जाता है, जो मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन यानी फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से क्या करता है, बचाता है। और यही रीजन है कि बच्चा एल्युमिनियम के जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उन पे ना एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा के आर्टिफिशियली मोटा लेयर चढ़ा के बेचा जाता है। नेचुरली जो एल्युमिनियम पे जो लेयर डिपोजिट होता है वो थीन होता है, पतला सा लेयर होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई ये तो अच्छी बात है ऑक्साइड की परत जम रहा है तो वो अंदर का मेटल सेफ रह रहा है, तो ये अच्छी बात है, हम आर्टिफिशियली क्यों ना मोटा एक परत जमा के फिर उसके ऊपर कुछ पेंट वेंट करके बेच दें, ताकि जो भी एल्युमिनियम रहेगा वो सस्टेनेबल होगा, ड्यूरेबल होगा, उसका विंडोज बनाओ या किचन में या बाथरूम में बच्चा उसका गेट बनाओ। आजकल बहुत जगहों पे, बहुत बिल्डिंग्स में एल्युमिनियम के विंडोज का फ्रेम बन रहा है, एल्युमिनियम के गेट्स बन रहे हैं, क्योंकि इनको ना तो पानी से असर होने वाला है ना तो इनको एयर और मॉइस्चर से असर होने वाला है, क्योंकि इनके ऊपर बचा एक ऑक्साइड का लेयर जमा हुआ है जो कि अंदर के मेटल को सेफ करता है। तो आर्टिफिशियली एक मोटा परत चढ़ाना एल्युमिनियम के ऊपर, उसी को एनोडाइजिंग कहा जाता है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम पर एक मोटा परत चढ़ा देना। नेचुरली क्या हो रहा था कि एक पतला परत चढ़ रहा था, तो आर्टिफिशियली जब मोटा एक परत चढ़ा देते हैं एल्युमिनियम पे तो इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहा जाता है। इसमें किया क्या जाता है,
एल्युमिनियम डेवलप ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। एल्युमिनियम को जब हवा में खुला छोड़ दोगे तो उस पर एक पतला ऑक्साइड लेयर आ जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो ये कोट चढ़ जाता है ये रेसिस्टेंट होता है फर्दर कोरोजन के, यानी फिर से उस मेटल को बचा के रखता है, क्योंकि ये परत अंदर ऑक्सीजन पानी मॉइस्चर नहीं जाने देता है। और इस रेसिस्टेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है बाई मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो ये जो रेसिस्टेंट का काम कर रहा है, यानी जो बचाने का काम कर रहा है, ये जो लेयर पतला सा जो लेयर अपने आप चढ़ा है, अगर इस लेयर को हम मोटा कर दे किसी तरीके से, तो इसी को बोला जाता है बच्चा एनोडाइजिंग। कैसे किया जाता है? तो इसमें बहुत सिंपल है बच्चा। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। यानी किया क्या जाता है, जिस आर्टिकल्स पे, जिस एल्युमिनियम के आर्टिकल्स बर्तन पे हमें ऑक्साइड का लेयर चढ़ाना है, उसको ना बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी एनोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी जिस एल्युमिनियम पे मोटा परत चढ़ाना है एल्युमिनियम ऑक्साइड को, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, उसको उसको हम एनोड से जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। यानी कुल मिला के हम करते क्या है बच्चा, देखो इसको इसको ऐसे समझो कि हम बच्चा पानी ले लेंगे, पानी में ना थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। ऐसा क्यों? इस एसिड के जाने से बच्चा आयंस क्रिएट होंगे, एसिड एच प्लस आयन और सल्फेट आयन बनाएगा। यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एच प्लस आयन और इधर से क्या छोड़ेगा, सल्फेट आयन छोड़ेगा। ये आयंस पानी को थोड़ा कंडक्टर बना देते हैं। वैसे तो पानी कंडक्टर होता है लेकिन एसिड डालने से वो अच्छे से कंडक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर हमें किसी आर्टिकल पर परत जमाना है तो उसको बैटरी के बच्चा प्लस से जोड़ देते हैं और एक माइनस वाला कोई भी एक इलेक्ट्रोड ऐसे लगा देते हैं। जैसे ही करंट पास करोगे, पानी से करंट फ्लो करेगा और पानी टूट कर बच्चा बनाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड पे बनता है और ये ऑक्सीजन गैस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी यहाँ पे, जहाँ पे एल्युमिनियम, जिस एल्युमिनियम के आर्टिकल पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जमाना है वहीं पे ऑक्सीजन गैस बनता है। अब ये ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके एक मोटा परत एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो लंबे समय तक अगर इस रिएक्शन को कराया जाए तो मनचाहा मोटा लेयर चढ़ाया जा सकता है, मतलब जितना हमारा डिजायर्ड है उतना मोटा लेयर चढ़ाया जा सकता है। और फिर उसके बाद ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। जब ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है तो उसके बाद ना एक डाई कर दिया जाता है ताकि वो और अट्रैक्टिव दिखने लग जाए, क्योंकि जो ऑक्साइड है उससे उसका एल्युमिनियम का चमक खत्म हो जाएगा, इसीलिए एक आर्टिफिशियल कलर चढ़ा दिया जाता है ऑक्साइड के ऊपर और फिर उस एल्युमिनियम आर्टिकल्स को सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बच्चा हम एनोडाइजिंग कहते हैं। आयरन की अगर बात करें, आयरन का एक बड़ा सा टुकड़ा अगर लोगे बच्चा, एक आयरन का एक बड़ा सा टुकड़ा अगर आप लोगे और उसको फ्लेम पे हीट करोगे तो वो बर्न नहीं करेगा। ठीक है, एक आयरन का बड़ा सा टुकड़ा लोगे और उसको कैंडल या गैस स्टोव पे उसको जब हीट करोगे तो ये बर्न नहीं करेगा, नहीं जलेगा। यानी ऐसे लगता है कि आयरन बच्चा ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगा कि आयरन जो फिलिंग्स है, आयरन जो फिलिंग्स है वो भयानक तरीके से बच्चा आग पकड़ता है और जलता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अगर आयरन फिलिंग्स को बच्चा हम फ्लेम पे या इस तरह से माचिस की तीली से उसको थोड़ा सा गर्म कर दे तो भयानक तरीके से रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन को अगर हीट करोगे तो ये नहीं जलता है, ये नहीं जलता है। और लेकिन वही बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रोसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। अगर बर्नर के फ्लेम पे बच्चा, बर्नर के फ्लेम पे तुम आयरन फिलिंग्स को छिड़काव करो इस तरह से, तो बिल्कुल जो पटाखा होता है ना, छुरछुरी जिसको हम लोग बोलते हैं, दीपावली में हम लोग जो जलाते हैं, उसी तरीके से जलना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो बच्चा देखो, मैंने बताया था आग लगने के लिए तीन चीजें जरूरी है, फ्यूल्स, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। तो बच्चा यहाँ पे आयरन जो है ये फ्यूल्स की तरह एक्ट कर रहा है, ये खुद जलने वाला है, और ऑक्सीजन तो हवा से मिल ही रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, अंतर क्या है, साइज का। अब चूंकि मेटल बच्चा
मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहाँ पे अगर हम जो हीट दे रहे हैं वो हीट कंडक्ट होके इधर पीछे की तरफ आना शुरू हो जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, आयरन को जलने के लिए एक मिनिमम जो टेम्परेचर चाहिए यानी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच नहीं कर रहा है, इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी हीट सप्लाई हो रहा है एक एंड पर वो दूसरे एंड की तरफ कंडक्ट हो जा रहा है, क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स है ये इतने साइज में छोटे हैं कि ये इतना गर्म हो जा रहा है कि इनको इनका अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल जा रहा है, रीच कर जा रहा है, और इसलिए बर्न कर रहे हैं, जलना शुरू कर दे रहे हैं, यानी आयरन जो फिलिंग्स में जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो आयरन भी बचा रिएक्ट करता है। रहा बात कॉपर का, कॉपर को अगर आप हीट करोगे जलेगा तो नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे कॉपर रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन से, अगर हीट करोगे जलेगा नहीं, बट इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है, यानी कॉपर को जब हीट करोगे तो कॉपर बचा हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके काला रंग का क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड, यहाँ पे टू का मतलब वैलेंसी टू यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड। सिल्वर और गोल्ड की बात करें, कितना भी गर्म कर लो, कितना भी गर्म कर लो, पिघल जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे, बट ये डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कुछ मेटल का जो ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा तेज है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, दे रिएक्ट विग्रोसली विथ ऑक्सीजन, सो दे आर केप्ट इन ए किरोसिन टू ब्रेक डाउन द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे कुछ और मेटल है वो उनपे क्या हो जाता है बच्चे, एक लेयर डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा एल्यूमिनियम, मैग्नेशियम, जिंक, लेड, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इनके ऊपर बच्चा एक लेयर डिपोजिट हो जाता है। मैग्नेशियम की अगर बात करें, अगर इसको हीट करोगे तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ, डाजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता है और एक व्हाइट एश बनाता है जो कि होता है मैग्नेशियम ऑक्साइड, आपने इसको पहला चैप्टर में पढ़ा था। वही बात करें आयरन बचा, आयरन जो है आयरन फिलिंग्स जलता है, आयरन का बड़ा सा टुकड़ा नहीं जलता है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। कॉपर तो जलता नहीं बट ब्लैक कलर का ऑक्साइड डिपोजिट कर लेता है। वही सिल्वर एंड जो गोल्ड है ये बिल्कुल ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बच्चा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल बच्चा अगर पानी में जाता है, पानी से उसका कॉन्टैक्ट बनता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल होते हैं, जिन मेटल का ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल होता है वो उसी समय घुल जाता है और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाता है, बट सारे मेटल का ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए हमारा जनरल जो रिएक्शन होगा मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होगा। और जो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं उनका ऑक्साइड बदल जाता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाता है। तो अगर कोई पूछे कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है तो भाई मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन जिन मेटल के ऑक्साइड सोल्यूबल होते हैं वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेटल ऑक्साइड ना लिख के हम मेटल हाइड्रो ऑक्साइड ही लिख देंगे, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो ये बन रहा है। लेकिन अगर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो बेसिक रिएक्शन ये है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड, जिन मेटल के ऑक्साइड पानी में घुल जाएगा वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। तो अगर हम बात करें पोटेशियम एंड सोडियम की, तो बच्चा ये जितना हवा में तेजी से रिएक्ट नहीं करते उससे कई गुना तेजी ये पानी में, पानी से रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। देखो पोटेशियम को डालते ही आग पकड़ लिया, ठीक है, और सोडियम थोड़ा टाइम लेता है, यानी पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इवन सोडियम से भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। पोटेशियम का एक टुकड़ा डालो उसी समय आग पकड़ लेता है, सोडियम थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, यानी हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से इनके रिएक्शन को समझो, पोटेशियम पानी में बचा रिएक्ट करके
पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये ऑक्साइड पानी में रहेगा नहीं, ये बदल जाएगा हाइड्रोऑक्साइड में। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाइड्रोऑक्साइड। अगर आपके पास भी रिएक्शन आए तो यही हाइड्रोऑक्साइड बना के लिखना है, ठीक है। और बदले में क्या बनता है बच्चा, हाइड्रोजन गैस। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आग क्यों पकड़ रहा है, आग क्यों लग रहा है, तो बच्चा यहाँ पे आग लग रहा है हाइड्रोजन गैस के जलने से। ये रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है ना, वही आग पकड़ लेता है। तो ये जो आग लग रहा है, ये ना हाइड्रोजन गैस जल रहा है, हाइड्रोजन गैस जल रहा है। ये चीज याद में रखना है कि यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस ही यहाँ पे इमेडिएटली आग पकड़ लेता है और जलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। सिमिलरली सोडियम के साथ भी बर्ताव है, सोडियम भी पानी के साथ कुछ वैसे ही रिएक्शन करता है। अगर दोनों में रिएक्टिविटी की बात करें तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से डालते समय ही आग पकड़ता है, यानी ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है सोडियम के तुलना में। रहा बात कैल्शियम का, तो कैल्शियम को जैसे ही डालते हैं ये उतना विग्रोसली रिएक्ट तो नहीं करता है। ठंडा पानी में अगर कैल्शियम को डालोगे तो ये कैल्शियम जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, ये कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, इसलिए कैल्शियम कुछ ही समय बाद तैरना शुरू कर देता है। देखो ऊपर आ जाता है, आप इस क्लिप को देखो बार बार, तो कैल्शियम धीरे धीरे क्या हो जा रहा है बच्चा, ऊपर की तरफ आ जा रहा है। ये क्यों ऊपर की तरफ आ जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स बन रहा है ना, वो यहाँ पे जल नहीं रहा है, और जब जल नहीं रहा है तो वो बबल्स उसके सरफेस में स्टिक कर रहा है, वहां से निकल रहा है, तो इस डेंसिटी कुछ कम, ओवरऑल एवरेज डेंसिटी कम हो जा रहा है और वो तैरना शुरू कर दे रहा है। तो यहाँ पे ही लिखा है कि बच्चा ये जो कैल्शियम है ठंडा पानी से रिएक्शन कर लेता है, लेस वॉयलेंट होता है, एंड हीट जो इवॉल्व होता है नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहाँ पे इतना ज्यादा हीट नहीं निकलता है कि हाइड्रोजन आग पकड़ ले। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। यहाँ पे कैल्शियम तैरना ये शुरू कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो स्टिक कर जाता है कैल्शियम के सरफेस के साथ। यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, अगर इसमें आप फिनोप्थलीन डालोगे तो ये फेस है बच्चा, ये पिंक हो जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम बच्चा कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। कैसे पता लगा, अगर मैग्नीशियम के रिबन का थोड़ा सा टुकड़ा अगर आप पानी में डालो तो कोई बबल्स नहीं बनेगा, कोई कलर में चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेके आप गर्म करो, उसमें फिनोप्थलीन डाल दो, तो तुम देखोगे कि ये जो पानी है ना पिंक होना शुरू कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई बेस बन रहा है। ठंडा पानी में ऐसा पिंक नहीं होगा, अगर ठंडा पानी में मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल दो फिर फिनोप्थलीन डाल दो तो पिंक नहीं होगा। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, कोई बेस नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही गर्म करते हैं फिनोप्थलीन पिंक होना शुरू हो जाता है। इसका भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके वीडियो डाला है, आप जाके शॉर्ट वीडियो के लिस्ट में इसको ढूंढ के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा मैग्नीशियम जो है रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन गैस है वो जल नहीं पाता है, क्योंकि उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं निकलता है, और हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम के टुकड़े पे चिपक जाता है, जिससे कि देखो शुरू में मैग्नीशियम डूबा हुआ है देखो, लेकिन जैसे ही गर्म होता है ये ऊपर आ गया और तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी बच्चा क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। वही बात करें एल्युमिनियम आयरन एंड जिंक की, एल्युमिनियम आयरन और जिंक जो होते हैं बच्चा, ये मेटल ना तो ठंडा पानी ना तो गर्म पानी किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन दे रिएक्ट विथ द स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जो मेटल है बच्चा स्टीम से रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इस एक्टिविटीज में अगर आप देखो तो यहाँ पे बच्चा मेटल का सैंपल लिया गया है। आप यहाँ पे या तो एल्युमिनियम का टुकड़ा ले लो, या जिंक ले लो, या तो आयरन ले लो, इनमें से कोई एक सैंपल ले लो। यहाँ पे ग्लास वूल है, इन एक कपड़ा रखो जिसको पानी में ना सॉक कर दो, भिगो दो, भिगोने के बाद गर्म करोगे तो यहाँ से जो वाटर वेपर बनेगा, और वाटर वेपर जब बनेगा और जब ये मेटल के सैंपल से होते हुए गुजरेगा तो इधर पाया जाता है कि एक बबल्स बन रहा है। उस बबल को टेस्ट करने पर ये पता चला कि वो बच्चा हाइड्रोजन गैस है, यानी
ये एक्टिविटी ये बताता है कि ये मेटल्स भी बच्चा पानी से रिएक्ट कर रहे हैं, बट वो स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं। पानी जब वेपर स्टेट में है, यानी गैस स्टेट में, वेपर के फॉर्म में है, तब ये मेटल बच्चा क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। यानी इनका रिएक्टिविटी बहुत कम है, कहने का मतलब ये, क्योंकि इनको गर्म पानी नहीं, इनको स्टीम चाहिए। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिमार्किंग जो बात है बच्चा, ये तो आप ठीक है बना लोगे, लेकिन ये वाला जरा देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है Fe2O3 नहीं बना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है Fe3O4 बना है, Fe3O4 बना है। यानी यहाँ पे जो आयरन है, पानी यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लिक्विड ना होना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जाम में लिक्विड दे दे तो यहाँ पे लिख देना बच्चा नो रिएक्शन। यहाँ पे याद रखना गैस बनता है, और यहाँ पे इस ऑक्साइड का फॉर्मूला भी याद रखना, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, पानी में घुलते नहीं है, क्योंकि शुरू में ही हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द मेटल के ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। तो ये ऑक्साइड पानी में घुलते नहीं है, और यहाँ पे बच्चा Fe3O4 बना है, ना कि Fe2O3। बच्चा आयरन का बच्चा दो वैलेंसी होता है, 2 और 3। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अगर ऐसे आएगा तो ये बनेगा FeO, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तो बनेगा Fe2O3, और यहाँ पे फॉर्मूला बना Fe3O4। तो ये बच्चा एक स्पेशल ऑक्साइड है, इसमें दो ऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड देखो तो है Fe2O3 प्लस FeO। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, जो उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। और यहाँ पे सबसे रिमार्किंग बात बच्चा, कि यहाँ पे जो पानी है ना, वो जी गैस लिखा रहना चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है, लिक्विड दे देगा तो नहीं। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें, ये किसी भी तरीके से पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे पानी कोल्ड हो, हॉट हो, चाहे स्टीम के फॉर्म में हो, ये पानी से रिएक्शंस नहीं करते हैं। और आज यही रीजन है कि गोल्ड सिल्वर का ज्वेलरी यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर ना तो पानी से, ना तो हवा से, ना तो एसिड बेस किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करते हैं, और इसलिए इनका चमक बना रहता है। और यही रीजन है कि इनको हम यूज करते हैं बच्चा ज्वेलरी में। इसमें यूज करते हैं बच्चा ज्वेलरी में यूज करते हैं, क्योंकि इनका चमक बना रहता है। अब हम यहां से पढ़ेंगे बच्चा, डेट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एन एसिड। ये टॉपिक हमने एसिड बेस और जो सॉल्ट चैप्टर था उसमें भी हमने कवर किया है, कि जब मेटल को एसिड में डाला जाता है तो क्या होता है। आपने देखा था बच्चा कि जब मेटल को एसिड में डालते हैं तो कुछ मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, और हाइड्रोजन गैस बनता है और सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे भी है, कि जब मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। किसी भी मेटल को जब एसिड में डालोगे, अगर रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है वर्ड इक्वेशन, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है बच्चा, सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग पॉप साउंड के साथ किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इन मेटल्स को डालो। जैसे इन मेटल्स को आप डालोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई तेजी से रिएक्शन कर रहा है तो वो मैग्नीशियम है, उसके बाद में ना तेजी से बबल्स है, यानी जितना तेजी से बबल्स बनेगा समझो कि वो बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि मेटल का बच्चा ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये तो कुछ मेटल्स थे, ये ऑक्सीजन और पानी से रिएक्ट तो कर रहे हैं, बट ये बहुत स्लो रेट से कर रहे हैं, तो हमें वहां पे क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा था कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन एसिड में डालने से ये पता चलता है कि कौन तेजी से बबल्स बना रहा हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम जब डालते हैं, एल्युमिनियम डालते हैं, जिंक डालते हैं, आयरन डालते हैं, तो इसमें जो मैग्नीशियम है ना बहुत तेजी से क्या करता है, बबल्स बनाता है। इट मींस दैट मैग्नीशियम इज रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और जिंक में अगर आप देखोगे तो एल्युमिनियम तेजी से क्या बनाता है, बबल्स बनाता है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, और हमें इस तरह के ऑर्डर प्राप्त होते हैं, ठीक है। और पहले से हमें पता है किसके बारे में बचा, हमें पता है कि पोटेशियम
सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम और फिर बीच में यहाँ पे कैल्शियम डाल लो। तो ये एक ऑर्डर बन रहा है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑर्डर बन रहा है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम पानी में डालते ही आग पकड़ लेता है। उसके बाद बच्चा सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है बात? तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमें पता चला कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, ये अलग से मुझे ये टॉपिक क्यों लाना पड़ा बच्चा, कि नाइट्रिक एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा ये एसिड बेस सॉल्ट में, तुमने पढ़ा है कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन एक ऐसा एसिड है जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस में आता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। बच्चा हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है फॉर्मूला इसका बच्चा, HNO3। तो ये एकलौता ऐसा एसिड है जिससे कि मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। कुछ एक्सेप्शन में एक्सेप्शन भी है, जैसे कि इसको ऐसे समझो, यहां पे तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो बच्चों कि नाइट्रिक एसिड के साथ केवल दो ही मेटल हाइड्रोजन गैस देते हैं, वो है मैग्नीशियम और मैग्नीस। ये दो मेटल क्या करेंगे बच्चा, यहां पे सॉल्ट बनाएंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, वो भी यहां पे नाइट्रिक एसिड वेरी वेरी डाइल्यूटेड होना चाहिए। बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड एसिड रहेगा तो केवल ये दोनों मेटल मैग्नीशियम और मैग्नीस ही नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। बाकी और मेटल रिएक्शन तो करेंगे बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। देखो जितने भी एसिड है उसमें तुम मेटल डालो हाइड्रोजन गैस बनेगा अगर रिएक्शन होगा तो। लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस केवल दो ही मेटल बना सकते हैं। ये भी कंडीशन रखा है कि ये नाइट्रिक एसिड वेरी वेरी डाइल्यूटेड होना चाहिए, तब मैग्नीज और मैग्नेशियम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बाकी दूसरा मेटल कोई भी ले रहे हो, नाइट्रिक एसिड में बच्चा कोई भी दूसरा मेटल ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें जैसे कि दूसरा कोई भी मेटल डाल रहे हो तो यहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका सिंपल सा आंसर यह है कि भाई ये नाइट्रिक एसिड ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना। नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन बनता है। नाइट्रिक एसिड के केस में अगर कोई मेटल डाल रहे हैं और अगर हाइड्रोजन गैस बनता है तो वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाता है पानी में, वाटर में। यानी ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा उसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके उसको वाटर में बदल देगा और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाता है। नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में क्या हो जाता है बच्चा, बदल जाता है। तो याद रखना है कि सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन अगर करते हैं तो हाइड्रोजन गैस सॉल्ट ही बनेगा, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। लेकिन नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है सारे मेटल के साथ, केवल दो मेटल मैग्नीज और मैग्नेशियम के साथ, वो भी बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड में तुम कोई भी मेटल डाल रहे हो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। इसका रीजन है कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके पानी में बदल देता है और खुद टूटकर नाइट्रोजन का किसी ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको याद रखना है। उसके बाद हमें पढ़ना है बच्चा एक्वा रेजिया के बारे में। एक्वा रेजिया लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर मतलब जादुई पानी, कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है। कह रहा है कि ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी यहां पे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशियो ले लो, वो भी ये दोनों कंसंट्रेटेड होना चाहिए। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और नाइट्रिक एसिड भी बिल्कुल कंसंट्रेटेड होना चाहिए, पानी वानी नहीं होना चाहिए। और तीन
वन में लेना है, इन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्री भाग लेना है तो ये वन भाग लेना है। ऐसे समझो कि अगर 100 ml एक्वा रेजिया बनाना है तो 75 ml HCl लो, तीन भाग HCl लो और वन भाग क्या लेना है बच्चा, वन पार्ट नाइट्रिक एसिड लेना है, वो भी कंसंट्रेटेड। और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होना चाहिए, यानी जिस समय मिलाओगे उसी समय कुछ समय तक, ये नहीं कि आज मिलाए और 10 दिन बाद हम यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। मतलब जिस समय मिलाओगे उसी समय का जो फ्रेश मिक्सचर है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 में कंसंट्रेटेड एसिड होना चाहिए। ये जो लिक्विड बनता है ये गोल्ड को प्लैटिनम को भी डिजोल्व कर देता है, यानी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, कैसे रिएक्शन करते हैं ये सिलेबस में नहीं है, हो सकता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूं कि कैसे क्या एक्चुअली में होता है। तो अभी तो ये जो सिलेबस में है कि ये डिजोल्व कर देता है, कुछ अंदर रिएक्शन होता है, समझ में आ रहा है बच्चा। इट कैन डिजोल्व, यानी जो एक्वा रेजिया है गोल्ड, इवन इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। कह रहे कि इसमें से कोई एक एसिड ले लो और उसमें गोल्ड डालो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी नाइट्रिक एसिड में चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तुम गोल्ड डाल दो नो रिएक्शन, बट दोनों जब मिल जाते हैं 3:1 में तो ये इतना ज्यादा क्रोचिंग एक लिक्विड या एक फ्यूमिंग लिक्विड बनता है, इन्हें से उबलता हुआ एक लिक्विड बनता है जो कि तुम्हारे गोल्ड और प्लैटिनम जैसे लेस रिएक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और उनको ऐसे डिजोल्व कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ एनदर मेटल, यानी एक मेटल का दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ एनदर सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट, यानी एक मेटल के सॉल्ट के साथ दूसरे मेटल का रिएक्शन उसके सॉल्यूशन के साथ। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस रिएक्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म, यानी किसी सॉल्ट को ले लो, यानी किसी मेटल का सॉल्ट ले लो, या तो वो पिघला हुआ है या तो पानी में घुला हुआ है, उस केस में हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। आपने इसको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिव्स बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो कुछ मेटल जो बहुत ही लेस रिएक्टिव है उनका एसिड के साथ, उनका और दूसरे रिएजेंट जैसे कि ऑक्सीजन पानी के साथ जो रिएक्टिविटी नेचर है वो नहीं मालूम पड़ता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर हमें ये पता करना है एग्जैक्टली कि कौन मेटल किससे रिएक्टिव है तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बेस्ट एविडेंस ले सकते हैं, बेस्ट एविडेंस की तरह काम कर सकते हैं इसको मानते हुए। क्योंकि अगर एक मेटल के सॉल्ट में सपोज किसी मेटल का कोई मेटल ए है और मेटल बी के सॉल्ट में अगर मेटल ए रख दिए और बन गया सॉल्ट ऑफ मेटल ए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, यानी ए ने बी को हटा दिया है, इसका मतलब ए रिएक्टिव है। अगर किसी मेटल के सॉल्ट से कोई दूसरा मेटल उस मेटल को हटा देता है इसका मतलब वो मेटल रिएक्टिव है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है बच्चा कॉपर सल्फेट और आयरन। कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन की प्लेट डालते हैं तो यहाँ पे एक ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाता है जो कि होता है कॉपर, यानी हो क्या रहा है यहाँ पे बच्चा, ये जो ये जो आयरन है, आयरन के जो एटम्स है इसके अंदर के एटम्स यानी कॉपर को हटा रहे हैं, जिससे कि कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है और बदले में आयरन डिजोल्व होकर उसमें जा रहा है। कुछ समय बाद ये सोल्यूशन ब्लू से क्या हो जाता है, ग्रीन, फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। तो यानी यहाँ पे हम कंक्लूजन बना सकते हैं कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन वही अगर आप आयरन सल्फेट में अगर कॉपर डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। यानी अगर कोई मेटल किसी मेटल को नहीं हटा पा रहा है तो खुद लेस रिएक्टिव है, और अगर मेटल सॉल्ट से उस मेटल को हटा दे रहा है तो हायर मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से हम अगर कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है अगर इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सहारा ले सकते हैं, ये एक बेटर एविडेंस बनता है। तो हमने अभी तक से मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखा कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल का बच्चा दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कौन
मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उसको टॉप पे रखते हैं, उससे कम वाले को उसके नीचे, उससे कम रिएक्टिव वाले को उसके नीचे, ऐसे अगर हम सजाते हैं तो एक सीरीज बन जाता है और इस सीरीज को हम बोलते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज। लिखा कि आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। बहुत सारे मेटल के लिस्ट तैयार होता है कि कौन कितना रिएक्टिव, उसको टॉप पे, वाले को उसके नीचे, ऐसा जो सीरीज बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो सबसे टॉप पे आ रहा है पोटेशियम, उसके नीचे आपने देखा भाई सोडियम, पोटेशियम डाल पानी में आग पकड़ लेता है, सोडियम थोड़ा समय लेता है तब आग पकड़ता है, कैल्शियम, कैल्शियम ठंडा पानी से रिएक्ट कर लेता है, मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए, एल्युमिनियम को स्टीम चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से सजाया गया है जो मेटल का लिस्ट बना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, यही लिस्ट क्या कहलाता है बच्चा, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। इस पूरे मेटल के सीरीज में एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, याद रखना हाइड्रोजन बच्चा मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। इसको इसलिए रखा गया है इस लिस्ट में क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ऊपर के जो मेटल है, ऊपर के जो मेटल है एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे हटा, बट नीचे के जो मेटल है वो एसिड से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे, एसिड से वो हाइड्रोजन को क्या कर पाएंगे बच्चा, नहीं हटा पाएंगे। यानी ये नीचे वाले लेस रिएक्टिव है, ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है। अब ये एक चीज और भी समझना है कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट से क्या कर सकता है, हटा सकता है। जैसे कि देखो कॉपर नीचे है, कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डालोगे तो आयरन कॉपर को हटा देगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर कॉपर सल्फेट में तुम एल्युमिनियम डालो तो भी रिएक्शन होगा, लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम सल्फेट में अगर कॉपर डालूं तो कॉपर नहीं हटा पाएगा क्योंकि एल्युमिनियम टॉप पे है, एल्युमिनियम टॉप पे है, एल्युमिनियम क्या है बच्चा, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो अब हम यहां से पढ़ेंगे बच्चा, डेट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसके पहले हमने पढ़ा मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, मेटल एसिड और दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट कैसे करता है। तो हमने देखा कि इन रिएक्शंस में कंपाउंड बनता है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये क्यों रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड जो आप खाते हो, जिसको हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, तो इस सोडियम क्लोराइड में अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम इसमें बच्चा मेटल है और जो क्लोराइड है यानी जो क्लोरीन है नॉन मेटल है। तो क्या ऐसा फोर्स है, क्या ऐसा अट्रैक्शन है कि इन दोनों के एटम को बांध के रखे हुआ है, और ऐसा क्या मजबूरी है सोडियम और क्लोरीन के पास कि इनके दोनों एटम एक साथ रह रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम अब पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा नाइन्थ क्लास में जो आपने चैप्टर पढ़ा था दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें रिमाइंड करना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा था कि तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल खोज किए गए थे, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर लास्ट में न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने यह भी देखा था कि एटम के अंदर इसमें से जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है न्यूक्लियस में रहते हैं, सेंटर पर एटम के एकदम बीचों बीच रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। नाइन्थ क्लास में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई एटम में तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है कुछ इस तरह का एटम होता है। और जो ऑर्बिट का नेम था जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन ऑर्बिट का नाम बच्चा KLMN कुछ ऐसे याद आ रहा होगा, या ऑर्बिट का नंबर भी होता था। ऑर्बिट का नंबर क्या होता था बच्चा, पहला ऑर्बिट को के सेल भी कहा जाता है, के सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्बिट था जिसको L, तीसरा ऑर्बिट को M और चौथे ऑर्बिट को N, और भी आगे ऑर्बिट ऐसे आते रहते हैं। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की आपने थ्योरी भी पढ़ा था, जो उसमें पढ़ना था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसको बोर्ड्स एंड बरी ने दिया था, उन्होंने बोला था किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रह सकता है
2n स्क्वायर रह सकता है, जहां n ऑर्बिट का नंबर है। जैसे कि अगर हम बात करें k ऑर्बिट में, k सेल में, ऑर्बिट से ज्यादा बेटर कहना सेल होगा। तो अगर k सेल में बात करें तो n की वैल्यू k के लिए 1 होगा, क्योंकि ये पहला सेल होता है और इसमें k सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरह से अगर l सेल की बात करो तो इसमें n 2 रख दो, तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी क्या हो गया बच्चा 8। ठीक है, यानी सेकंड सेल में, l सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, ऐसा आपने पढ़ा था। और आपने ये थ्योरी भी पढ़ा होगा कि जिस इलेक्ट्रॉन के, जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्टेबल होता है बच्चों। ठीक है, और जैसे कि हमने नोबेल गैस की अगर हमने बात करें, नोबेल गैस के बारे में आपने सुना होगा, इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये कुछ गैसेज है जो किसी चीज से रिएक्शन नहीं करते। ये बिल्कुल इनका एटम आइसोलेटेड इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये गैस बिल्कुल इनर्ट होते हैं। इनको किसी चीज से रिएक्शन करने का मतलब नहीं है, ये इनका एक इनका सिंगल एटम रह सकता है नेचर में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन, कभी भी ऑक्सीजन का एक एटम अकेले नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन या तो O2 के रूप में पाया जाता है या तो O3 के रूप में पाया जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में बचा O2 के रूप में है, एटमॉस्फेयर के और ऊपर चले जाओ, बहुत ऊपर चले जाओ तो ओजोन बन जाता है, जहां पे 3 ऑक्सीजन एटम एक साथ जुड़े होते हैं। तो यहां पे बाकी जो एलिमेंट है उनके एटम नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके जो एटम है इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट, इनको रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कंपाउंड बनाते ही नहीं। तो साइंटिस्ट ने देखा क्या कि भाई इनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर पहला ऑर्बिट है तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एलिमेंट में एक ही ऑर्बिट की बात है, एक ही सेल है और उस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, या उसके बाद के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो वो एलिमेंट किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता है, वो नोबेल गैस होता है, वो इनर्ट गैस होता है। और यही थ्योरी यहां पे आई कि जो एलिमेंट अपने लास्ट ऑर्बिट में बचा 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, वो स्टेबल हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। अब ऐसा थ्योरी क्यों आया होगा, थोड़ा इसको भी समझो। जिन एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाता है कि वो अपने आप को स्टेबल फील करता है, उसका बनावट ऐसा हो जाता है, नेचुरली वो जो मॉडल बनता है एटम का, वो एक स्टेबल मॉडल बनता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि इस तरह के व्यवस्था में राइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, राइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ताकि एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। और इनको किसी और दूसरे एटम के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो मेटल्स है बच्चा, जो मेटल्स है, मेटल्स के लास्ट ऑर्बिट में देखा जाए तो 1, 2, 3 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इनके भी अब बच्चे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं तो सोडियम के पहले ऑर्बिट में बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 3 सेल है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 11 है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे पहले ऑर्बिट में सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके बाद वाले में 4, क्योंकि 2n स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि अगर सेकेंड सेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, फिर 8, यानी टोटल 10, लेकिन सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जाता है ये सोडियम को अनस्टेबल बनाता है।
अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसके पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर बच जाता है। ये कुछ वैसे ही है कि अगर एक इस तरह का सीधा बिल्डिंग है तो ये तो भाई टिका रहेगा लंबे समय तक, लेकिन एक अगर कोई कोई बिल्डिंग ऐसे बना दिया तो ये कुछ दिनों में गिर जाएगा, ये टिकेगा ही नहीं। तो ये अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो एक दूसरा अनस्टेबल एलिमेंट को ऐसे पकड़ना होगा। जैसे दो बिल्डिंग एक दूसरे पे ऐसे झुक जाएंगी तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन केवल एक बिल्डिंग ऐसे रहेगा तो ये स्टेबल नहीं है, ये गिरेगा। उसी तरीके से सोडियम के पास ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसको अनस्टेबल बना देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लेने वाला भी कोई होगा, अगर ये किसी को दे दे तो इसको स्टेबल स्ट्रक्चर मिल जाएगा और ये नेचर में सरवाइव करेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वही जो नॉन मेटल है इनके लास्ट ऑर्बिट में बचा कुछ ऐसे 5, 6, 5, 6, 7 ऐसे, मतलब 4 से ज्यादा इनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जो नॉन मेटल है इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए नाइट्रोजन को तो ये 8 कर लेगा। लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो स्टेबल होता है। जैसे कि बच्चा यहाँ पे नोबेल गैस की बात किया जा रहा है, नोबेल गैस में ये पाया गया कि उनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होते हैं। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे नॉन मेटल, जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा। और रहा बात फ्लोरीन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, रहा बात फास्फोरस, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और क्लोरीन को बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 कर लेगा। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के चाहत में जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं उनके बीच में रिएक्शन होता है, बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे शुरू शुरू में ही अभी जस्ट मैंने बताया कि हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, तो यहाँ पे यही रीजन है कि मेटल के लास्ट ऑर्बिट में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट कर देगा, नॉन मेटल उसको गेन कर लेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगा। और यही रीजन है कि मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होता है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हम टेबल सॉल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है बच्चा, नॉन मेटल है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये क्यों रिएक्शन किए हुए हैं, क्यों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका रीजन यही है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 11 है। सोडियम का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर कितने हैं बच्चा, 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। वही अगर क्लोरीन की बात करोगे, क्लोरीन का बच्चा एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। और अगर इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर बच्चा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये भी 8 कर लेगा, और सोडियम 1 दे देगा तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएगा। तो सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो होता क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और वही क्लोरीन का एटम इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बन जाता है। अब यहां पे थोड़ा समझो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तुलना में एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा था किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं, आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस में उतना इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस में चार्ज। इसीलिए किसी एक आइसोलेटेड एटम का टोटल चार्ज जीरो होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन के चलते प्लस चार्ज बनता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के चलते माइनस चार्ज भी बन जाता है। टोटल चार्ज जोड़ने पे जीरो होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो जो भी चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा और कोई ले लेगा तो जो लेगा
उसमें प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, इसलिए उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस एटम के पास प्रोटॉन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसमें प्रोटॉन जब कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा, ये माइंड सेट कर लो, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे ये भी चीज क्लियर कर लो, जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना यूनिट उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे उतना यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एटम को दे देता है, क्योंकि सोडियम भी चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहे, और क्लोरीन भी चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, तो आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नॉन मेटल उसे गेन करते हैं, और यही रीजन होता है कि इन एटम पे चार्ज डेवलप होता है। सोडियम यानी जो मेटल है उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉन मेटल पे बच्चा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनको बांध के रखेगा, एक फोर्स डेवलप हो जाएगा और इन एटम को बांध कर क्या करेगा, रखेगा। चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में समझते हैं। जब हम मैग्नीशियम को गर्म करते हैं तो वो व्हाइट डैजलिंग लाइट के साथ बर्न करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो ये कैसे होता है? तो मैग्नीशियम का अगर हम बात करें बच्चा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, मैग्नीशियम का एटम का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में बच्चा दो इलेक्ट्रॉन, फिर आठ इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चा 8 है। ऑक्सीजन के पहले एटम, पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ऑक्सीजन को बच्चा क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम को क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देना है। जब मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देगा तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन बच्चा दे देता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन ये दे देता है तो होता क्या है, मैग्नीशियम का जो एटम है ये बन जाता है मैग्नीशियम आयन, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ऑक्सीजन का एक एटम इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड आयन बन जाता है, और मैग्नीशियम पे प्लस, ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज डेवलप होता है, इसी के चलते इनके बीच में एक रिएक्शन होता है, एक बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके चलते मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एटम आपस में सट जाते हैं, यानी आपस में बंध जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। होता क्या है कि मैग्नीशियम को रिबन को जब हम गर्म करते हैं, हवा में ऑक्सीजन से मैग्नीशियम के एटम टकराते हैं, हवा जाके वहां पे गर्म हवा टकराता है, मैग्नीशियम के रिबन में से मैग्नीशियम का जो एटम है हवा में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है, जिससे कि चार्ज डेवलप होता है मैग्नीशियम पे और ऑक्सीजन पे, और एक बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग होता है बच्चा, इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पे ना बच्चा, यहाँ पे बॉन्ड्स कर दे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो, एक ही बात है। यानी ऐसा बॉन्डिंग जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल उसे गेन करता है, आयंस जेनरेट होते हैं, चार्ज पार्टिकल बनते हैं, और यही चार्ज पार्टिकल इनको बांध के रखता है। तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल इस आयोनिक बॉन्ड के चलते ही रिएक्शन करते हैं, मतलब आयोनिक बॉन्ड के चलते ही एक दूसरे में बंधे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग होता है, वैसे कंपाउंड को हम बच्चा आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह सकते हैं। तो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल,
वैसा कंपाउंड जिसमें मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देता है, वैसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, और ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है बच्चा, सोडियम ऑक्साइड। तो इन सभी में अगर ध्यान से देखो तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग हुआ है, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दिया हुआ है। दूसरी तरफ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे अगर देखो इन कंपाउंड में दोनों नॉन मेटल है, कार्बन ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ये देखो मीथेन गैस होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ये भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में जो बॉन्डिंग होता है क्यों होता है, ये हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे बच्चा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पे हम पढ़ेंगे एक दूसरे तरह का बॉन्डिंग जिसको कोवैलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है, वहां पे नॉन मेटल के बीच में होता है। लेकिन अगर एक मेटल है और एक दूसरा उस कंपाउंड में नॉन मेटल है तो समझ लो कि वो आयोनिक बॉन्डिंग हुआ है। यानी मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, नॉन मेटल ने उसको गेन किया है, मेटल पे प्लस चार्ज आया है, नॉन मेटल पे क्या है माइनस चार्ज आया है। ये सब क्यों हो रहा है, तो भाई लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी है, हर एलिमेंट अपने लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है। इसको ऑक्टेंट रूल भी कहा जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ एलिमेंट अपने पहले ही ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन कर ले तो हीलियम जैसा बन जाते हैं, क्योंकि हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में ही दो इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्टेबल है। जैसे लिथियम का अगर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बात करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो पहले ऑर्बिट में 2 और फिर 1, तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देना उसको उसके लिए बेटर होगा, दे देगा एक इलेक्ट्रॉन तो हीलियम जैसा बन जाएगा। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मेटल लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं गेन करते हैं, जिसके चलते आयंस जेनरेट होता है और एक बॉन्डिंग बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब यहां से हम पढ़ेंगे बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब जितने भी आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें जैसे इनके फिजिकल नेचर, तो भाई आयोनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और हार्ड होते हैं, कुछ हद तक ये हार्ड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल बन रहे हैं प्लस माइनस, तो इनके कंपाउंड में होता क्या है कि प्लस वाला माइनस से जुड़ा रहेगा, माइनस वाला फिर प्लस से, प्लस वाला फिर माइनस, ये आपस में जुड़ के क्रिस्टल बनाते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं। और चूंकि प्लस माइनस चार्ज डेवलप हुआ है तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये फ्लो नहीं कर सकता। इनका कोई एक यूनिट की बात करें, ये सब यूनिट आपस में मजबूती से बंधे हुए हैं, तो कोई भी यूनिट एक दूसरे को छोड़ के जाएगा नहीं, यानी फ्लो नहीं करेगा। फ्लो नहीं करेगा तो 100% है कि वो सॉलिड स्टेट में ही बना रहेगा। तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, सम व्हाट हार्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। भाई आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बना रहता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसीलिए सॉलिड होते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब इनको इन पे प्रेशर लगाओगे, इन पे हथौड़ा लगाओगे, तो ये बेंड नहीं होंगे, ये टूट टूट के टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएंगे, इसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर, ठीक है। तो ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, अगर ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो इनके छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाएंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, काम कर रहा है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नो डाउट भाई आयोनिक कंपाउंड है, चार्ज पार्टिकल्स है, प्लस माइनस आपस में मजबूती से बंधे हुए हैं, तो अगर इनको मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें टेबल सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट, यानी जो तुम नमक खाना में खाते हो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बच्चा
आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि सोडियम मेटल है, क्लोरीन यहाँ पे नॉन मेटल है। अब सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे इजिली घुल जाएगा, इजिली घुल जाएगा, लेकिन उसको उसको कढ़ाई में सूखा डालो, कितना भी हीट करो वो घुलेगा नहीं, मेल्ट नहीं करेगा। देखो घुलना, घुलना मतलब डिजोल्व होना होता है, मेल्ट यानी पिघलना होता है। डिजोल्व होना मेल्ट होना में बहुत अंतर है। पानी में कोई चीज घुल जाता है, बिखर जाता है, उसको डिजोल्व होना कहते हैं। और बिना पानी के अगर उसको हीट दिया जाए और वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेल्ट होना। आयोनिक कंपाउंड को अगर मेल्ट करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज आयंस बने हुए हैं प्लस माइनस, जो कि एक दूसरे को बांध के मजबूती से चकड़े हुए हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर पानी हटा के इनको सूखा सूखा इनको कढ़ाई में या पैन में इनको हीट करो, ये मेल्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इनके बीच में बचा चार्ज के चलते बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होता है इनको ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को। अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर इसको पिघलाना चाहते हो तो हमें लगभग 273 घटा लो, ये केल्विन में दिया है, तो 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। यानी अगर तुम सॉल्ट को मेल्ट कराना चाह रहे हो तो उसके लिए 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है। उसी तरह से अगर तुम्हें बॉयल करना है, गैस बनाना है, तो फिर अगेन केल्विन को बचा, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए 273 घटा देते हैं। ये पढ़ा होगा शुरू से ही, सेवेंथ क्लास से ही। और अगर केल्विन में, अगर डिग्री सेल्सियस में है केल्विन में ले जाना है तो 273 ऐड करना होता है। तो ये केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 273 घटाते चल जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को देखो, इसमें से 273 अगर घटाओगे तो करीब यहाँ पे 2600 के आसपास डेटा आने वाला है या 2700 कुछ आने वाला है। तो बहुत ज्यादा 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जाके मेल्ट करेगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया। तो कहने का मतलब है ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड है, आयंस बने हुए हैं, प्लस माइनस के चलते ये आपस में मजबूती से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें बच्चा, तो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज किरोसिन एंड पेट्रोल। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है पानी में घुल जाएंगे, पानी में वो 100% घुल जाएंगे, लेकिन किरोसिन, पेट्रोल, डीजल इन चीजों में ये नहीं घुलेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बच्चा क्योंकि इन पे चार्ज है। पानी के मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स में, कि पानी के मॉलिक्यूल पे भी स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन वाला पार्ट पे बच्चा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन वाला पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि पानी में आयोनिक कंपाउंड घुल जाते हैं। तो होता क्या है कि जब इस किसी नमक के क्रिस्टल को जब पानी में डालोगे तो उसके चारों तरफ क्या मिलेगा? उसके चारों तरफ बच्चा पानी ही तो रहेगा। अब पानी रहेगा तो होगा क्या कि पानी का जो नेगेटिव पार्ट है वो प्लस वाले को खींचेगा, अब पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव वाले को खींचेगा। अब खींच के इस यूनिट को पानी अलग करेगा, यानी पानी इस पूरे क्रिस्टल को तोड़ेगा, इसके अंदर के जो भी आयन थे उसको सेपरेट करेगा। क्योंकि पानी के मोलिकुल्स पे भी स्लाइटली चार्ज होता है और इसी चार्ज के कारण जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन किरोसिन, पेट्रोल ये सब कार्बन के कंपाउंड होते हैं, इन पे चार्ज नहीं होता है। अब अगर तुम नमक को पेट्रोल में डाल के डिजोल्व करो वो नहीं घुलेगा, वो नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि पेट्रोल का जो, पेट्रोल जो है कार्बन के कंपाउंड है और उस कार्बन के कंपाउंड पे चार्ज नहीं होता है। ये फोर्थ चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। जब चार्ज होता ही नहीं है तो वो डिजोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। तो याद रखना बच्चा, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं पानी में घुल जाते हैं और इसलिए इनका जो सोल्यूशन है, आयोनिक कंपाउंड का जो सोल्यूशन है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस। कोई भी आयोनिक कंपाउंड को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो आयंस बन जाता है। जैसे कि अगर नमक को घोलोगे तो सोडियम प्लस क्लोराइड आयन बन जाएगा। अगर नमक को बच्चा पानी में घोलते हो तो सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, सोडियम प्लस
क्लोराइड आयन ऐसे आयंस बन जाते हैं और यही आयंस बच्चा इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए क्या, चार्ज का मूवमेंट, आयंस का मूवमेंट। मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो मूव करते हैं, किसी एसिड बेस के सोल्यूशन में या सॉल्ट के सोल्यूशन में आयंस होते हैं, जब एटम पे चार्ज होता है तो उसको आयंस कहते हैं, ये पता होना चाहिए। तो लिखा है कि आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब बच्चा एनोड और कैथोड, मतलब अगर अगर नमक पानी में, अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर नमक का सोल्यूशन है, सॉल्ट का सोल्यूशन है, तो सोडियम नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो क्लोराइड आयन है ये पॉजिटिव के पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, और जो सोडियम आयन है वो कैथोड के तरफ जाएगा। तो ये लिखा है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो आयंस रखते हैं पानी में और वो अपोजिट इलेक्ट्रोड के तरफ मूव करते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम पे बच्चा प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे क्या है, माइनस चार्ज है, तो क्लोरीन किधर भागेगा, क्लोरीन भागेगा बच्चा बैटरी के प्लस के तरफ और ये भागेगा माइनस के तरफ। प्लस है तो माइनस के तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस है तो प्लस के तरफ अट्रैक्ट होगा। आयोनिक कंपाउंड बच्चा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सूखा नमक में तुम अगर नमक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो नहीं कंडक्ट हो पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई वो ड्राई है, तो चार्ज पार्टिकल जो आयंस पार्टिकल है वो मजबूती से बंधे हुए हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव, वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन पानी में घोल दो तो वो मूव कर सकते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो अब मूव कर सकते हैं। या दूसरा एक तरीका है कि आयोनिक कंपाउंड को बच्चा तुम ना मेल्ट करो दो, पिघला दो, नमक को पिघला दो। अब नमक को जब पिघला दोगे तो उसमें भी कुछ हद तक चार्ज जो आयंस है वो फ्री हो जाते हैं ड्यू टू हीट, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, मूवमेंट ज्यादा होने लग जाता है। तो आयोनिक कंपाउंड या तो अगर पानी में घुले रहेंगे या वो मेल्ट मतलब वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, मोल्टेन स्टेट में रहेंगे। हाई टेम्परेचर पे अगर आयोनिक कंपाउंड को पिघला दो फिर अगेन चार्ज जो आयंस है वो फ्री हो जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास हो सकता है। तो हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो अभी तक से हमने क्या देखा इस चैप्टर में, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि ये जो मेटल हमें मिलते हैं, जैसे कि हम डेली लाइफ में आयरन का बहुत सारा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, गोल्ड का ज्वेलरी यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, तो ये मेटल हमें मिलते कहाँ से है, यानी अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये मेटल हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, यही टॉपिक हमें अब पढ़ना है। तो मेटल हमें, मोस्ट ऑफ द मेटल बच्चा हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि अर्थ को तीन भागों में बांटा गया है, कोर, मेंटल, और सबसे ऊपर जो एक पतला लेयर होता है अर्थ का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं, सारे तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स, इसी अर्थ क्रस्ट से क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आया है, डेट इज मिनरल, मतलब एक टर्म आया है डेट इज मिनरल। मिनरल क्या होता है बच्चा, द एलिमेंट्स और कंपाउंड, वैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। यानी अर्थ क्रस्ट में कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड नेचुरली जो मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं बच्चा, हम मिनरल कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम एल्युमिनियम के, तो एल्युमिनियम हमें अर्थ के क्रस्ट में एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिला जाता है, और इसी को हम लोग बच्चा बॉक्साइट भी कहते हैं, ठीक है। यानी तुमने ये पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल पाया जाता है तो वो एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम हमें अर्थ के क्रस्ट में एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में क्या होता है, मिलता है। इसी तरीके से आयरन भी हमें आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग हेमेटाइट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं अर्थ के क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। तो जो भी नेचुरली किसी इल मेटल का
एलिमेंट मतलब कोई मेटल डायरेक्टली कोई मेटल ही हमें मिल गया, जैसे कि कॉपर गोल्ड, मतलब अगर मिट्टी खोदोगे तो कुछ कंट्रीज में डायरेक्टली गोल्ड मिल जाता है। तो या तो कोई एलिमेंट या कोई एलिमेंट कंपाउंड के फॉर्म में अगर अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है नेचुरली, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, मिनरल्स। यहाँ पे नेचुरली क्यों बोला है कि आप कई लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में सोना डाल देते हैं, तो वो नहीं कहलाएगा मिनरल जो नेचुरली हुआ है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चा ओट्स। क्या पढ़ेंगे? ओट्स। तो ओट्स क्या होता है कि एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। यानी कुछ जगहों पे होता क्या है कि किसी लोकेशन पे या किसी स्टेट में या किसी कंट्रीज में होता क्या है कि वहां के जो सॉइल है वहां पे ना एक पर्टिकुलर टाइप के मेटल्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके उसके मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उससे हम क्या कर सकते हैं प्रॉफिटेबली हम उस मेटल को निकाल सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि देखो सपोज जिंक एक मेटल है, तो जिंक अर्थ क्रस्ट में कहीं जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है, कहीं पे जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है, कहीं पे बच्चा जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है। तो जिंक तो कई कंपाउंड, जिंक के कई कंपाउंड अर्थ के क्रस्ट में पाए जा रहे हैं, लेकिन लेकिन इनमें से जो जिंक ऑक्साइड है इससे प्रॉफिटेबली हम क्या कर सकते हैं, जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिंक को बाहर निकाल सकते हैं। यानी जिंक ऑक्साइड से हम इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली और इन्वायरमेंट को कम पॉल्यूट करते हुए हम जिंक को क्या कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं। तो सारे मिनरल है, लेकिन वो मिनरल जिसमें से हम मतलब प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओर कहते हैं। तो ओर एक तरह से मिनरल में एक विशेष मिनरल होता है, एक स्पेशल मिनरल होता है जहां से मेटल को कम खर्च करके निकाला जा सकता है, कम पोल्यूशन करके निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चा मेटल, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम टॉप पे था, उससे नीचे सोडियम था, ये हमने देखा। तो मेटल को अगर देखा जाए जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है उनमें सभी मेटल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल थे जैसे कि कॉपर, तुम्हारा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये लो रिएक्टिव मेटल कहे जाते हैं। ये किसी चीज से जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि गोल्ड के आपने बारे में पढ़ा, गोल्ड ना तो बच्चा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ना तो वाटर वेपर से, ना ही वो एसिड से, ठीक है। उसी तरह से मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जैसे कि जिंक, आयरन, मरकरी, ये जो मेटल्स हैं ये या लेड हो गया, ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे, मीडियम रिएक्टिविटी कहलाएंगे। और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी इसमें जैसे आ जाते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये जो मेटल्स है बच्चा हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहे जाते हैं। तो अब यहाँ पे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की बात करें, जो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है वो हमें कैसे मिलते हैं भाई, तो लिखा कि मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी या जो एक्टिविटी सीरीज था उसमें सबसे नीचे वाले मेटल जैसे कि तुम्हारे सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कॉपर, ये जो मेटल है बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल अगर फ्री स्टेट में पाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट के फॉर्म में पाया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने अर्थ क्रस्ट में अर्थ क्रस्ट को आपने खोदा तो वहां पे सीधे गोल्ड मिल गया, गोल्ड कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिल रहा है। फ्री स्टेट का मतलब ये है कि मेटल एज इट इज मिल गया, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है इसलिए वो फ्री स्टेट में है, किसी चीज से रिएक्शन करके वो कोई कंपाउंड के फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है। सीधे हम उसको निकालेंगे गोल्ड को और उसको साफ सुथरा करके हम यूज करना शुरू कर देंगे। तो फ्री स्टेट का मतलब कि वो प्योर मेटल है, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लिखा है कि कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर।
अब यहां पे बोल रहा है कि कॉपर, जो कॉपर है, जो सिल्वर है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में भी कभी कभी पाए जाते हैं। जैसे कि कॉपर बचा, कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। सिल्वर भी हमारे अर्थ के क्रस्ट में सिल्वर तुम्हारा सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत लेस रिएक्टिव है, ये ऑफन फ्री स्टेट में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे कि कॉपर और सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और किस तरह से वो, किस तरह के कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये या तो सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी अगर अगर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर की बात करें तो ये फ्री स्टेट में ही होते हैं, लेकिन सिल्वर और कॉपर कभी कभी कहीं पे अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और कंबाइंड फॉर्म में भी किस फॉर्म में, तो वो कॉपर, कॉपर सल्फाइड के रूप में या कॉपर ऑक्साइड के रूप में पाया जा सकता है। उसी तरह से जो सिल्वर है, सिल्वर सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी में कौन कौन मेटल्स आते हैं, जैसे कि आयरन, लेड, जिंक वगैरह, ये सब आते हैं। ये मिडिल एक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड वगैरह, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये तो ना तो ज्यादा रिएक्टिव है, ना तो लेस रिएक्टिव है, तो फ्री स्टेट में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि रिएक्टिव है कम ही सही, लेकिन ये रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में मेनली ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर जिंक की बात करें तो जिंक हो सकता है कहीं के सोयल में जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, कहीं पे जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, हो सकता है कहीं पे जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि आयरन की बात करें तो आयरन, बच्चा आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि झारखंड में अगर चले जाओगे तो वहां पे बच्चा टाटा है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, वहां वहां के जो क्रस्ट है वहां पे आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वहां पर आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। कोर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी एबंडेंट ऑन द अर्थ। मोस्ट ऑफ द मेटल का जो ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में इस पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है अर्थ पे काफी ज्यादा मात्रा में है और रिएक्टिव भी है, और यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द मेटल का जो ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड बाय रिडक्शन बाय कार्बन। अब इन मेटल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कार्बन से रिडक्शन कराया जाता है। कैसे, जैसे कि जिंक, अगर जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में कहीं पे मिल रहा है तो कार्बन यानी कोक के साथ, कोक में, कोक प्योर कार्बन का फॉर्म होता है लगभग, तो कोक के साथ गर्म करोगे तो रिएक्शन होगा, तो कार्बन क्या करेगा कि जिंक को हटा देगा और जिंक इस तरह से अलग हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ बच्चा, रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो कार्बन ने यहां पे, कार्बन यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों हुआ है बच्चा, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहां पे यही कर रहा है कि अगर मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट है तो उनको कार्बन के द्वारा रिड्यूस करा के हम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। वही अगर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की बात करें जो सबसे टॉप पे आ रहे हैं, जैसे कि कौन कौन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर इनकी हम बात करें तो ये तो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं ही पाए जाएंगे, क्योंकि अगर सोडियम का हम बात करें, सोडियम अगर जिस समय अर्थ पे बना होगा, और भी एलिमेंट होंगे, क्या सोडियम फ्री स्टेट में रह सकता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सोडियम किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में ही नेचर में पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो कह रहा है कि एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा। अगर हम बात करें जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बनाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड से। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को कार्बन के साथ, कोक के साथ अगर गर्म करोगे तो कार्बन में औकात नहीं है कि मैग्नीशियम को हटा दे, कार्बन की औकात नहीं है कि मैग्नीशियम को हटा दे, क्योंकि कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऐसे हालात में हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड अपनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल लो एल्युमिनियम ऑक्साइड,
इसको बॉक्साइट भी कहते हैं, ये एल्युमिनियम का ओर है। अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड से तुम चाहोगे कि कार्बन के साथ गर्म करके इसको रिड्यूस कर दे और कुछ ऐसा कम रिएक्शन हो जाए तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन एल्युमिनियम को नहीं हटा सकता, क्योंकि एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी है, ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ऐसे स्थिति में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। हम करते क्या है कि जो जो कंपाउंड है उसको मेल्ट कर देते हैं। कंपाउंड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर दो, और मेल्ट करने के बाद इसमें क्या पास करो, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो मेटल है कैथोड पे डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, और जो उनके साथ नॉन मेटल वाला पार्ट है वो एनोड पे बनना शुरू हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इनको हमने क्या किया, एक्चुअली एल्युमिनियम ऑक्साइड आप जानते हो कि ये आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें बच्चा आयोनिक बॉन्डिंग है, तो आयोनिक कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो उसको या तो मोल्ट कर दो, पिघला दो, या तो उसको डिजोल्व कर दो। तो डिजोल्व तो होगा नहीं, तो इसको हम हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट करने के बाद इसमें चार्ज पार्टिकल जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम और ऑक्साइड है। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहलाएगा, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है बच्चा, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ठीक है, तो जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है उनको हम कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं करा सकते हैं, बल्कि उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे टॉपिक है बच्चा इनरिचमेंट ऑफ ओर। इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या हुआ कि ओर को हम सेपरेट करते हैं जब हम उसको क्रश से निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है, डेट इज गैंग। गैंग का मतलब क्या हो गया कि देखो ओर कहां से निकाला जाता है, मिनरल और ओर में अभी मैंने डिफरेंस बताया कि मिनरल बचा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, बट वो स्पेशल कंपाउंड जिसे कम पैसे में, कम खर्च में, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली और कम पोल्यूशन करके मेटल को निकाला जा सकता है, तो उस स्पेशलाइज्ड मिनरल को ओर कहते हैं। अब जब ओर हमें मिलता है या कोई मिनरल हमें मिलता है तो वो अर्थ क्रश से मिलता है, तो अर्थ क्रश से जब हम किसी ओर को या मिनरल को निकालते हैं तो होता क्या है कि उसमें सैंड पार्टिकल, सोयल और भी फालतू चीजें होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर पिक्चर में देखोगे तो ये जो रेड वाला जो पार्ट है ये बच्चा मरकरी का एक ओर है जिसको हम लोग सीना बार कहते हैं। ठीक है, बाकी ये जो पार्ट है व्हाइट व्हाइट पार्ट, ये एक तरह से क्या है, फालतू पार्ट है। तो इसमें जो भी रेड वाला पार्ट है पहले हम उसको अलग करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखो ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इस स्टोन के अंदर, ये क्या है तुम्हारा, एक तरह से कार्बन का सॉरी कॉपर का ओर है। तो इस ग्रीन पार्ट वाले को हटाएंगे, जो नॉन ग्रीन पार्ट है उसको अलग करेंगे। तो यही जो नॉन ग्रीन पार्ट है यहाँ पे, यानी जो भी फालतू है ओर के अलावा, जो भी सैंड या जो भी स्टोन या जो भी फालतू चीज है उसी को गैंग कहा जाता है। तो लिखा कि ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। जब ओर को हम निकालते हैं अर्थ क्रश से तो उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है, और जैसे कि सोयल और सैंड होता है, और इसी को गैंग कहा जाता है। यानी जो भी ओर के साथ जो इम्प्यूरिटीज है उसको हम गैंग कहते हैं, जैसे सैंड, सोयल वगैरह। ठीक है, अब ओर का कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि इस गैंग को अलग कर देना। सिंपल सा सेंटेंस कि गैंग को ओर से अलग करना, यानी ओर को एक तरफ कर देना, गैंग को अलग कर देना ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है। यानी जो भी सैंड, स्वेल, जो भी स्टोन, जो भी फालतू चीज है उसको सेपरेट कर दो तो हमें प्योर ओर मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या लिखा कि द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग, यानी गैंग को हटाने वाला जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लेकिन ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होता है भाई, तो ये डिपेंड करता है कि ओर और जो गैंग है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है।
उस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कोई मेथड सेलेक्ट करते हैं और गैंग को अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक आयरन का ओर है जो कि मैग्नेटिक नेचर का है और जो गैंग है नॉन मैग्नेटिक नेचर का। हम वहां पे क्या मेथड यूज करेंगे? मैग्नेटिक मेथड यूज करेंगे। मैग्नेट लेकर ओर को सेपरेट कर लेंगे और गैंग अलग हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, सपोज गैंग पानी में डिसॉल्व हो सकता है तो हम उस पूरे मिक्सचर को पानी में घोलेंगे तो जो गैंग है वो पानी में घूल के अलग हो जाएगा, उसको छान के अलग कर लेंगे। तो ओर और गैंग को अगर अलग करना है, ओर को और गैंग को क्या करना है अगर अलग करना है, तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। उस पर उस डिफरेंस को ही हम हथियार बनाएंगे, यानी एक तरीका बनाएंगे जिससे कि दोनों को हम क्या कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। इट मे बी कि ओर और गैंग के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ अलग बात हो, तो केमिकल प्रोसेस लगा के भी ओर को हम अलग करेंगे। कुल मिला के ओर को अलग कर लेना, एक तरफ कर लेना, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। ये लिखा कि द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग्स एंड द ओर इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब कुल मिला के थोड़ा सा ये लंबा सा डिफिनेशन हो गया, तुम बस इतना याद कर लो कि ओर को अलग करना गैंग से ही क्या कहलाता है, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। और ये किस आधार, किस बात पे ये डिपेंड करता है कि क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, किसके बीच में डिफरेंस बचा, ओर और किसके, ओर और गैंग के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, उसके आधार पर हम कोई मेथड चुन के हम अलग कर लेते हैं। तो अभी तक से हमने क्या पढ़ा, इनरिचमेंट ऑफ ओर, हमें ओर मिल गया। मतलब पहले तो हमने अर्थ क्रस्ट से क्या किया, सब चीज मिला मिला सा निकाला, उसमें से जो भी गैंग सैंड सोयल सब अलग कर लिया, हमें प्योर ओर मिल गया। अब ओर मिल गया लेकिन अभी मेटल नहीं मिला, मेटल का अब एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। सपोज हमने अर्थ क्रस्ट से हमने क्या किया बच्चा, जब हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड को खोजा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ सैंड सोयल या और भी कुछ स्टोन सब आएगा, तो इनको अलग कर लो, इनको सैंड सोयल स्टोन जो भी फालतू चीज अलग कर लिया तो हमें मिल गया ओर, यानी हमें मिल गया एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि एक प्योर कंपाउंड है, जो कि एक प्योर क्या है, कंपाउंड है। अब हमें यहां से क्या करना है, एल्युमिनियम अलग करना है, दैट इज एक्सट्रैक्शन करना है, यानी मेटल को अलग करना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन। तो यहां पे एक्सट्रैक्शन करने के से पहले तो हम यहाँ पे वर्ड समझेंगे, पहला है बच्चा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, ये एक तरीका है जो हम जब ओर से मेटल को अलग करते हैं तो लगाते हैं। क्या तरीका है बच्चा, सल्फाइड ओर। सपोज अगर हमें किसी मेटल का सल्फाइड ओर मिल रहा है तो सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना रोस्टिंग कहलाता है। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है बच्चा, रोस्टिंग कहलाता है। और हीट करने से होता है वो भी ऑक्सीजन के एयर के प्रेजेंस में, एयर प्रेजेंस, एयर का प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए। जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक जो सल्फाइड है इस गर्म करेंगे, हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में, यानी वहां पर ऑक्सीजन रहेगा, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पे जो किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड है, सॉरी सल्फाइड है, तो ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहता है, रोस्टिंग कहलाता है। ये खुला हवा में होता है, ऑक्सीजन होना जरूरी है, हवा होना जरूरी है और हाई टेम्परेचर पे होता है। इसमें कोई भी मेटल का जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड में बदल जाता है। दूसरा है बच्चा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, अगर हमें मेटल का कहीं पे हो सकता है कि मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता हो, यानी जिस कंट्रीज में अगर मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जा रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, उसको हीट करेंगे। जैसे ही हीट करोगे यहाँ पे ये बन जाएगा ऑक्साइड में, और इस प्रोसेस में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी मेटल के कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में ही क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बच्चा, रोस्टिंग सल्फाइड ओर पे लगता है
और कैल्सिनेशन लगता है कार्बोनेट के फॉर्म में अगर कोई ओर है तब। ये रोस्टिंग ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में हो रहा है और ये लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तीन डिफरेंस है भाई, रोस्टिंग सल्फाइड ओर पे लग रहा है, ये कार्बोनेट ओर पे लग रहा है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग होता है, ये अब्सेंस में होता है। यहाँ पे SO2 गैस रिलीज होता है और यहाँ पे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया कि नहीं है? तो ये तीन बिग डिफरेंस है रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में, लेकिन मकसद एक है। मकसद एक है कि चाहे सल्फाइड ओर हो चाहे ऑक्साइड ओर हो, उनको हम चाहे सल्फाइड ओर हो चाहे कार्बोनेट ओर हो, उनको बदलना है ऑक्साइड में। क्यों ऑक्साइड में बदल रहे हैं भाई? अगर हमें ऑक्साइड में हमने बदल दिया तो इजिली उसका रिडक्शन कराया जा सकता है। सपोज अगर कोई मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है तो कार्बन यानी कोक के साथ गर्म कर दो। ये कार्बन हमें कहां से मिलता है बच्चा? कोक से। कोक बच्चा एक तरह से कार्बन का प्योर सब फॉर्म होता है। जैसे हीट करोगे कार्बन क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। यानी देखो ये ऑक्सीजन यहां से माइनस हो गया, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, ओर का रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से मेटल क्या हो गया, हमें मेटल बच्चा हमने मेटल को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। मेटल को हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दो प्रोसेस है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि लो एक्टिविटी स्टेज वाले मेटल का, फिर तुम्हारे मिडिल वाले और तुम्हारे क्या है बच्चा टॉप पे जो आते हैं हायर रिएक्टिव वाले। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चा डेट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, यानी हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से मेटल आते हैं, जैसे कि मरकरी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह। इनमें से बहुत सारे मेटल बच्चा फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, हमने पहले बताया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर वगैरह, ये सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में क्रस्ट में पाए जाते हैं। आपके सिलेबस में दो मेटल जो कि लेस रिएक्टिव वाले कैटेगरीज के हैं उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, एक है मरकरी और एक है सिल्वर। मरकरी की बात करें तो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स है और ये इतना लेस रिएक्टिव है कि इसके ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा रिड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, सीधे गर्म कर दो, डिकम्पोज होके मरकरी अलग हो जाएगा। चलो तो इसको स्टेप वाइज समझते हैं। जैसे कि मरकरी की एक्सट्रैक्शन की बात करें तो पहले तो समझो मरकरी का जो ओथ है बच्चा उसका नाम है सीनाबार, ये याद रख लेना, कई बार एग्जाम में आया है। मरकरी का ओर का क्या नाम है, सीनाबार, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HgS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका नाम हो जाता है। व्हेन सीनाबार इज हीटेड इन एयर, जब सीनाबार को गर्म कर देते हैं एयर में, देखो एयर में, यानी भाई ये सल्फाइड है और सल्फाइड ओर पे हम रोस्टिंग लगाते हैं, यानी यहाँ पे हवा में ऑक्सीजन में खुली हवा में इसको गर्म करो, जैसे ही गर्म करोगे ये ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। यानी को किसमें हमने बदल दिया, सॉरी सल्फाइड को सीनाबार को गर्म करके हमने ऑक्साइड में बदल दिया। अब मैंने बताया था कि जब हमें ऑक्साइड में मिल जाता है कोई चीज तो उसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं। कार्बन हमें कहां से मिलेगा, कोक के रूप में। लेकिन यहाँ पे कार्बन द्वारा रिडक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना लेस रिएक्टिव है कि केवल गर्म कर दो टूट कर अलग हो जाएगा और मरकरी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मरकरी क्या होता है, ऑब्टेन होता है, ठीक है। मरकरी हमें यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, वैसे भी ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है और गर्म करोगे तो ऑब्वियसली ये लिक्विड ही हमें मिलेगा। तो इस तरह से मरकरी का एक्सट्रैक्शन हो, मरकरी का ओर का नाम है बच्चा सीनाबार, HgS फॉर्मूला है, हवा में गर्म कर दो और जो ऑक्साइड मिलेगा उसको वैसे ही और गर्म कर दो, यानी गर्म कर दो लंबे समय के लिए। तो होगा क्या, हवा में गर्म करते रहो, होगा क्या कि भाई हवा में पहले वो ऑक्साइड में बदल जाएगा और लगातार अगर गर्म करे तो फिर यही ऑक्साइड फिर किस में बदल जाएगा, मरकरी में बदल जाएगा, यानी मरकरी आ जाएगा। तो इस तरह से मरकरी एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरा जो पढ़ना है डेट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। कॉपर बच्चा हमें क्यूप्रस सल्फाइड के रूप में पाया जाता है।
कॉपर का दो वैलेंसी होता है वन और टू, यहाँ पे अगर वन यूज करते हैं तो अस आता है प्रोनाउंसिएशन क्यूप्रस, टू यूज करेंगे तो क्या आएगा बच्चा क्यूप्री। तो यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड के फॉर्म में हमें अगर कॉपर मिलता है तो ये भी बच्चा सल्फाइड ओर है, तो पहला इस काम क्या करना होगा हमें, इसका रोस्टिंग करना होगा। रोस्टिंग मतलब इसको खुली हवा में गर्म करो, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। जैसे ही गर्म करोगे ये ऑक्साइड ओर में बदल जाएगा, मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड को अगेन गर्म करते जाओ तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे भी कोक की कोई जरूरत नहीं है, कोक की कोई जरूरत नहीं है, ये जो ऑक्साइड है सल्फाइड के साथ ही रिएक्ट कर लेता है और रिएक्शन करने के बाद हमें कॉपर मिलता है और फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ये दो स्टेप रिएक्शन है, दिमाग में सेट कर लेना है। यहाँ पे हमें अलग से कोक की कोई जरूरत नहीं है और इसको इसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली हीट भी नहीं करते हैं भाई। यहाँ पे होता क्या कि कॉपर सल्फाइड की एक भट्टी होता होगा ना, उस भट्टी में जब गर्म करेंगे तो कुछ सल्फाइड ऑक्साइड में बदल गया और कुछ ऑक्साइड बचे सल्फाइड से ही रिएक्ट करके किसमें बदल जाएगा कॉपर में बदल जाएगा और इस तरह से हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये जो दोनों मेटल है बच्चा लो रिएक्टिव मेटल है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, गर्म करते जाओ सीधे हमें मेटल मिल जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मेटल्स एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि इसमें आते हैं बच्चा आयरन जिंक लेड कॉपर वगैरह। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कहे जाते हैं और ये मेटल सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में क्रस्ट में पाए जाते हैं। जैसे जिंक का एग्जाम्पल दिया आपके बुक में, जिंक या तो ऑक्साइड के रूप में या तो सल्फाइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। अब चाहे किसी भी फॉर्म में जिंक मिलता हो, मकसद होता है उनको ऑक्साइड में बदलना। अगर मान लेते हैं ऑक्साइड में मिल रहा है पहले से ही तो अच्छी बात है, कहीं के कंट्रीज में या कहीं के स्टेट में मान लेते हैं जिंक सल्फाइड के रूप में मिल रहा है, तो भाई सल्फाइड के रूप में है तो उसका क्या कर देंगे रोस्टिंग कर देंगे, तो किसमें बदल जाएगा ऑक्साइड के रूप में। और अगर कार्बोनेट के रूप में मिल रहा है कहीं पे तो उसका कैल्सिनेशन करेंगे और फिर बदल देंगे ऑक्साइड के रूप में, यानी ऑक्साइड के रूप में लाना जरूरी होता है। अब चलो एक एक लाइन पढ़ते हैं। तो आयरन जिंक लेड कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव प्रेजेंट एज सल्फाइड कार्बोनेट इन नेचर। ये जो मेटल है सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। भले ये सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं लेकिन इनको निकालने के लिए ऑक्साइड में बदलना जरूरी होता है। इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट, यानी मेटल को ऑक्साइड से निकालना आसान होता है किसके तुलना में सल्फाइड और कार्बोनेट के तुलना में। इसलिए अगर ये मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहे हैं तो पहले उनको ऑक्साइड के रूप में ले जाना होता है। अगर सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है तो रोस्टिंग करो और अगर कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है तो कैल्सिनेशन कर दो। ऑक्साइड में पहले ले जाएंगे देन मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान हो जाता है। फर्स्ट दीज आर कन्वर्टेड सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। ये जो भी सल्फाइड या के रूप में है इनको ऑक्साइड में बदला जाता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के प्रोसेस के द्वारा। जैसे कि देखो अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो भाई रोस्टिंग कर दो तो ऑक्साइड में बदल गया, कैल्सिनेशन करो। अगर कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहा है तो गर्म कर दो, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में तो हमें ऑक्साइड मिल गया। ऑक्साइड में जैसे ही हमें मिल गया कोक के साथ गर्म करना पड़ता है। कोक के साथ गर्म करोगे तो कोक क्या करता है, यानी कार्बन, जो कार्बन है इसको रिड्यूस कर देता है मेटल में। यानी देखो इस रिएक्टेंट से ऑक्सीजन की कमी हो गया है, यानी यहाँ पे क्या कहलाएगा बच्चा रिडक्शन, ये रिडक्शन हुआ है और इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ है तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। यानी हमें इस प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि कार्बन ने क्या किया, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी यहां से रिड्यूस कर रहा है ऑक्साइड को ताकि हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया मेटल मिल गया। तो इस तरह से मॉडरेट रिएक्टिव जो एलिमेंट है मेटल है उनको ऑक्साइड में बदल के कार्बन के थ्रू रिडक्शन कराया जाता है और फाइनली हमें मेटल मिल जाता है। ठीक है,
करेगी टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। कभी कभी हमें मेटल को रिड्यूस करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि कार्बन है हर मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर अभी हमने जो रिएक्शन देखा, एक तरह से देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन ने जिंक को हटा दिया है। रिडक्शन रिएक्शन भी है, नो डाउट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है, स्पेशली उन मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो हाईली रिएक्टिव है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। अब बात करें सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये बहुत ज्यादा हायर रिएक्टिव मेटल है, टॉप पे आते हैं देखा जाए तो ये मेटल किसी दूसरे मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे आ रहे हैं। इसलिए कभी कभी हमें इन मेटल का सहारा लेना पड़ता है, कब? जब कार्बन से काम नहीं चल पाता है। जैसे कि इसका एक स्पेशल एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीज ऑक्साइड से अगर मैग्नीज को ऑब्टेन करना है तो यहाँ पर अगर कार्बन के साथ ये काम करोगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीज है। इसलिए इस केस में हम क्या लाते हैं, एल्युमिनियम लाते हैं। एल्युमिनियम के जगह पे तुम सोडियम भी ला सकते हो, बट यहाँ पे एल्युमिनियम लाकर हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम क्या करता है, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। यानी एक मेटल को ऑब्टेन करने के लिए दूसरे हो रहा है। क्यों? इसका मतलब जरूर यहाँ पे मैग्नीज महंगा होगा, किसके तुलना में बच्चा, एल्युमिनियम के तुलना में। तभी तो एल्युमिनियम का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा अगर थ्योरेटिकली बताए यहाँ पे रीजन है कि एल्युमिनियम रिएक्टिव है किसके तुलना में, मैग्नीज के तुलना में, और इसलिए मैग्नीज को ये डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे कार्बन से काम चलने वाला है, ठीक है। तो चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, और इसलिए यहाँ पे जो मेटल ऑब्टेन होते हैं हमेशा लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन मोल्टन स्टेट। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है कि मेटल हमेशा लिक्विड स्टेट में ही क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बच्चा यूज हम ट्रेन की पटरियों को, टूटे हुए पटरियों को जोड़ने में करते हैं, और इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। बच्चा ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, जो मेटल होता है लिक्विड स्टेट में मिलता है। जैसे कि किया क्या जाता है इस थर्मिट रिएक्शन में बच्चा, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिक्सचर को हीट किया जाता है, और हीट करने से ये रिएक्शन शुरू होता है। क्योंकि ये रिएक्शन खुद एक्सोथर्मिक है तो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि जो आयरन है लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है, ठीक है। और क्या मिलता है हमें, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है। एक्चुअली एक तरह का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें एल्युमिनियम के हेल्प से आयरन को डिस्प्लेस करवाया जा रहा है। चूंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, सो इन दिस केस जो आयरन है हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब इस लिक्विड आयरन का यूज करके हम ट्रेन की जो पटरी है, यानी जो रेल है जो टूट चुका है, उसमें इस लिक्विड आयरन को फिल कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों ट्रेन की जो पटरी है जुड़ जाती है, ठीक है। इसको ग्राइंड करके स्मूथ एंड चिकना बना दिया जाता है। एक स्पेशल तरह के खांचे होता है जिसमें इस मिक्सचर को रखा जाता है, जिससे कि लिक्विड आयरन मिलता है। ये लिक्विड आयरन इस खांचे में भर जाता है, जब ये सूख जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो इस खांचे को हटा के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ग्राइंड कर दिया जाता है, और इस तरीके से दो रेल की जो पटरी टूटी हुई है वो जुड़ जाती है। ये बहुत ही एक मतलब मजबूत एक तरह का मान के चलो वेल्डिंग तरीका है।
ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है, हालांकि हम पढ़ रहे हैं मेटल का एक्सट्रैक्शन, बट यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात किया कि कभी कभी कार्बन के द्वारा हम हाईली रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, सो इन सच केस वी यूज एनोदर हाईली रिएक्टिव मेटल टू डिस्प्लेस द एनोदर मेटल। यानी मैग्नीज ऑक्साइड में तुमने देखा एल्युमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड से हम कार्बन के द्वारा मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, सो क्या किया जाता है, एक हायर रिएक्टिव मेटल के द्वारा हम डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम पढ़ेंगे बच्चा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो अभी तक से हमने देखा कि जो सबसे नीचे जो कॉपर गोल्ड वगैरह थे, ये लो रिएक्टिविटी मेटल थे, ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे, हमने देखा कि सीनाबार से मरकरी को निकाला जाता है और जो क्यूप्रिक जो सल्फाइड था, सॉरी क्यूप्रस जो सल्फाइड था, उससे हम कैसे कॉपर को ऑब्टेन करते हैं। और उसके बाद हमने देखा जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स थे, जैसे कि जिंक को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब यहां पे हम पढ़ेंगे जो मेटल जो टॉप में आते हैं एक्टिविटी सीरीज के, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो नेटिव स्टेट में तो पाए जाने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, या तो ये ऑक्साइड या क्लोराइड किसी भी तरीके से नेचर में कंपाउंड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये मेटल हाईली रिएक्टिव है तो इनको रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सोडियम की बात करें तो सोडियम हमें सोडियम क्लोराइड से मिलता है, तो अगर हम चाहें कि सोडियम क्लोराइड को कोक यानी कार्बन के साथ हीट करें और कार्बन इस सोडियम को डिस्प्लेस कर दे और हमें सोडियम अलग मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज यू नो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो ऐसे रिएक्टिव मेटल जो टॉप पे है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हम ये पढ़ेंगे बच्चा। वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। यानी कार्बन का यूज करके हाईली रिएक्टिव मेटल को वी कैन नॉट रिड्यूस, वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट, सो ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यानी ऐसे मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू अलग करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन कह रहा हूं, एक स्पेशल नोट देख लो। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ये मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम वेरी रिएक्टिव मेटल, सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। यानी ये जो मेटल है ये ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी, ज्यादा तगड़ा वाला बॉन्डिंग रखते हैं बच्चा, तो हम चाहें तो कार्बन से इन मेटल के ऑक्साइड से मेटल को अलग कर देना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मेटल को निकालने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है बच्चा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या किया जाता है, चलो पहले एक एक पॉइंट देखते हैं। करें कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आप ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। देख लो बच्चा, यहां पे तीन मेटल की बात कर रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यानी सोडियम हमें सोडियम क्लोराइड से मोल्ट करके पिघला के निकाला जाता है, कैसे अभी बताएंगे। मैग्नीशियम हमें मैग्नीशियम क्लोराइड से मिलता है और कैल्शियम हमें कैल्शियम क्लोराइड से मिलता है, बट इन ये चूंकि आयोनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में होंगे, इनको ना पहले मेल्ट किया जाता है और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, चलो समझते हैं।
करें कि द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो मेटल कैथोड पे डिपोजिट होते हैं, दैट इज कैथोड किसको कहा गया बच्चा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। चलो आप इसको समझा ही देते हैं। सपोज सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम को ऑब्टेन करना है, तो सोडियम क्लोराइड को पहले मेल्ट करके हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक लिक्विड स्टेट बनाते हैं। यानी अगर हमें इन मेटल्स को निकालना है तो इन मेटल्स को पहले मेटल्स के क्लोराइड को पहले लिक्विड स्टेट में ले जाना होता है एट हाई टेम्परेचर। एज यू नो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी हाई, सो एट हाई टेम्परेचर द क्लोराइड ऑफ दिस फ्लोइंग मेटल्स फर्स्ट मेल्टेड, इनको मेल्ट करके लिक्विड बनाया जाता है। तब इस लिक्विड स्टेट में जो क्लोराइड है इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है, तो भाई ये जो बड़ा वाला होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और छोटा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, नेगेटिव टर्मिनल। एज यू नो आप जानते हो ये प्रीवियस क्लासेस में, पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो ये दोनों एक्चुअली जो ये दोनों जो इस लिक्विड में डिप किए जाते हैं इनको बच्चा कहा जाता है इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। अब यहां पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कहते हैं। अब जैसे ही बच्चा करंट पास होगा, होगा क्या, आप जानते हो कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है और इस तरह के बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, आपने पढ़ा है ठीक है। अब सोडियम को अलग करना है क्लोरीन से, तो सोडियम तो कहेगा नहीं क्लोरीन से कि हे क्लोरीन देवता मेरा इलेक्ट्रॉन जो लिए हैं आप दे दीजिए मुझे, ऐसा तो होना नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, एक फोर्स लगाना होगा और फोर्स हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से लगाते हैं कि क्लोरीन के ने जो इलेक्ट्रॉन लिया है सोडियम से वो वापस सोडियम को दे दे। ये कैसे होता है, जैसे ही करंट पास किया जाता है, अब चूंकि ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड नहीं है बच्चा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज जो आयंस होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू बंधे होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मोल्टेन क्लोराइड में, यानी पिघला हुआ लिक्विड बना हुआ, याद रखना पानी में घुला नहीं है बल्कि हाई टेम्परेचर पे लिक्विड बनाया गया है, तो जब इसमें हम करंट पास करते हैं बच्चा, तो सोडियम पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। एक्चुअली मेल्ट करने से मैं बता दूं जो आयन से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब चार्ज फ्री होंगे और मूव करेंगे, तो लिक्विड में बदल देने से हाई टेम्परेचर पे चार्ज फ्री हो जाते हैं। अब जब चार्ज फ्री हो जाएगा तो सोडियम पे प्लस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होके बच्चा, ये अट्रैक्ट होके कैथोड की तरफ जाएगा, और क्लोरीन पे चूंकि माइनस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होके एनोड पे जाएगा। जब क्लोराइड आयन यहां पे आएगा तो ये प्लस टर्मिनल है, क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसको ये प्लस टर्मिनल खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्लस खींचेगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा फिर इधर आ जाएगा, बैटरी इस पे वर्क करेगी, एज यू नो बैटरी वर्क करती है चार्ज पे, वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा यहाँ पे। अब चूंकि सोडियम कहाँ पे गया है, कैथोड के पास, तो सोडियम कैथोड पर क्या करेगा कि सोडियम जो आयन है कैथोड पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम में बदल जाएगा, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इस तरीके से सोडियम क्या हो चुका है, एक्सट्रैक्ट हो चुका, और जो क्लोराइड है कैथोड पे जाएगा
क्लोरीन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो लिया है वो छोड़ देगा, यानी एक फोर्स लगाया जा रहा है कि क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो उसको दे दे, किसको दे दे बच्चा, सोडियम को दे दे, ठीक है। अब होगा क्या कि देखो अब एक्चुअली ये कई बार ऐसे होगा, एनोड पे क्लोरीन क्लोरीन के एटम आएंगे, ये क्लोरीन क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बनेंगे, यानी एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगा और कैथोड पे सोडियम आके कैथोड पे सोडियम का लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी जो मेटल है हमें कहां पे मिलते हैं बच्चा, कैथोड पे, तो यही पे लिखा है कि द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन इज लाइब्रेटेड एट द एनोड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल है वो पॉजिटिव पे जाएगा, तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे होगा, कैथोड पे सोडियम जाके अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा सोडियम, ये हो गया बच्चा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और क्लोरीन जो है चूंकि नेगेटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है तो ये पॉजिटिव यानी एनोड पे जाके बन जाएगा क्लोरीन गैस और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, अब इधर देखो, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम हमें कैसे मिलता है बच्चा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। एक्चुअली एल्युमिनियम ऑक्साइड को बॉक्साइट कहा जाता है जो कि एल्युमिनियम का ओर होता है। तो एल्युमिनियम अगेन एल्युमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट गोज एट कैथोड एंड टेक्स इट्स इलेक्ट्रॉन और फॉर्म्स एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा और चूंकि ये ऑक्साइड है तो यहां पे ऑक्सीजन एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा ऑक्सीजन गैस। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाकर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को अलग किया, सोडियम और क्लोरीन को अलग किया। तो इस तरह से जब हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। तो अभी तक से हमने क्या पढ़ा बच्चा, एक्चुअली मेटल को निकालने के लिए हमें पहले ओर की तलाश होता है, ओर में गैंग होते हैं, सैंड स्वेल ओर के अलावा जो भी फालतू चीज है उसको सेपरेट करते हैं, यानी ओर को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद हमने पढ़ा मेटल का एक्सट्रैक्शन, जब हमें ओर मिल जाता है प्योर फॉर्म में उस ओर से मेटल को कैसे अलग करते हैं, तो अलग अलग तरीके हमने देखा। तो लो रिएक्टिव मेटल है उनके लिए कुछ और तरीका, तो मॉडरेट रिएक्टिव है उनके लिए कुछ और तरीका हमने देखा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। और जो हायर रिएक्टिव है उनके लिए हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। अब चाहे मेटल किसी भी तरीके से ऑब्टेन होता है वो मेटल प्योर नहीं होता है, क्योंकि इन प्रोसेस में कुछ ना कुछ मेटल्स के जो टुकड़ा है उसमें स्टील थोड़ा बहुत इंप्यूरिटीज मिला रहता है, यानी मेटल के अंदर थोड़ा बहुत इंप्यूरिटीज हो सकता है। तो प्योर मेटल एकदम रिफाइंड मेटल जिसमें थोड़ी सी भी गंदगी ना हो, हालांकि ये 100% पॉसिबल नहीं है, फिर भी एक मतलब प्योर मेटल रिफाइंड मेटल प्राप्त करने के लिए हमें जो लास्ट स्टेप है डेट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी मेटल जो हमें अभी तक से जिन प्रोसेस से मिला है उसको रिफाइन करना, उसको खूब जितना पॉसिबल हो सके प्योर कर देना, शुद्ध कर देना, ठीक है। द मेटल्स प्रोड्यूस बाई वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर, प्योर होते हैं बट नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इंप्यूरिटीज
विच मस्ट बी रिमूव टू अपटेन प्योर मेटल, यानी प्योर मेटल एकदम रिफाइंड मेटल बनाने के लिए हमें इंप्यूरिटीज निकालना होता है. द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग, यानी यहाँ पे रिफाइनिंग करने का जो मेथड है वो भी हम पढ़ेंगे बच्चा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. अभी हमने पढ़ा हायर रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू उसको सेपरेट करते हैं. अब यहाँ पे मेटल चाहे किसी भी तरीके से हमें मिला है, अगर वो इम्प्योर है तो उसको प्योर करने के लिए जो हम मेथड पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. हो सकता है और भी मेथड हो जो कि मेटल को प्योर करता हो, बट आपके सिलेबस में जिस मेथड के थ्रू मेटल को प्योर करना है वो केवल एक ही मेथड आपके सिलेबस में दिया है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. तो चलिए डिटेल में समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. तो यहां पे बच्चा कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, कुछ जो वेल नोन मेटल है, मतलब जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, उन मेटल को कैसे इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किया जाएगा हम ये पढ़ेंगे. तो देखो करना क्या होता है बच्चा, इम्प्योर जो मेटल है यानी जिस मेटल के टुकड़े को प्योर करना है, यानी जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाते हैं, उसका एनोड बनाते हैं, यानी जो भी इम्प्योर वर्जन है उसको बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं. यानी हमारे पास बच्चा जो इम्प्योर वर्जन है उसका हम एनोड बना देते हैं. एंड ए थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड. अगर आपके पास पहले से प्योर मेटल का टुकड़ा है तो एक पतला सा टुकड़ा लेकर उसका हम कैथोड बना देते हैं. थोड़ा सा ये डायग्राम में इसको मोटा दिखाना चाहिए था, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है बच्चा. यानी जो इम्प्योर मेटल है उसको उसका हम एनोड बना देते हैं और प्योर मेटल का हम कैथोड बना देते हैं. हम क्या बता रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है. चाहे इनमें से कोई भी मेटल का अगर आपके पास इम्प्योर टुकड़ा है, इम्प्योर वर्जन है, तो इम्प्योर मेटल का एनोड बनाना है. यानी जो भी इम्प्योर मेटल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है और पहले से जो प्योर है उसको बैटरी के कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है. ए सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्लियर कर दूं. इलेक्ट्रोलाइटिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिससे कि करंट फ्लो कर सकता है. सभी लिक्विड से करंट फ्लो नहीं करता है. एसिड बेस का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन से करंट फ्लो करता है. तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा लिक्विड होता है, एक या ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसे करंट फ्लो करता है. तो यहां पे कह रहा है कि जिस मेटल को तुम्हें प्योर करना है उस मेटल का एक सॉल्यूशन लेना है, उस मेटल के सॉल्ट का एक सॉल्यूशन लेना है, उस मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का एक सॉल्ट ले लो, जैसे कि कॉपर सल्फेट ले लो, इसका एक सोल्यूशन लेना है जिसमें इन दोनों इलेक्ट्रोड को प्योर और जो इम्प्योर है उसको डुबो देना है. अगर तुम्हें सपोज बाय चांस सिल्वर को प्योर करना है तो सिल्वर के एक सॉल्ट का सोल्यूशन लेना होगा, जैसे कि हम ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट. यानी अगर सिल्वर को प्योर करना है तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में ये एनोड और कैथोड को डुबोया जाएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कॉपर को लेके समझते हैं. सपोज अगर हमें कॉपर को प्योर करना है, रिफाइन करना है, तो हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है. और तुमने देखा है भाई कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी ब्लू कलर का, मतलब वो ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है. अब जो इम्प्योर कॉपर है उसका हम एनोड बना देंगे और पहले से जो प्योर है उसका हम क्या बना देंगे, कैथोड बना देंगे. ठीक है, अब जरा देखो इधर. तो यहां पे कह रहा है कि ऑन पासिंग द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट
जब हम इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करेंगे द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब इस पूरे लाइन को समझो, जैसे ही करंट पास किया जाता है, तो एनोड से जित मेटल डिसॉल्व होता है, जितना एनोड से मेटल डिसॉल्व होगा उतना सॉल्यूशन से जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ये कैसे होता है तो इसको थोड़ा समझो। देखो होता क्या है, जैसे ही करंट पास होगा इसमें जो कॉपर है बच्चा, जो एनोड पे जो कॉपर है, अब कॉपर के मेटल में तुमने पढ़ा है मेटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जहां तहां जैसे तैसे एटम के गैप में घूमते रहते हैं। There is no fixed rule। जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं और एक करंट बनता है। तो होता क्या है कि भाई इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही स्विच ऑन होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाना शुरू करेंगे। तो होगा क्या कि इस इंप्योर वाला जो एनोड है इसमें जो कॉपर है वो आयोनाइज होंगे, यानी कॉपर, कुछ कॉपर पे चार्ज प्लस चार्ज आने लग जाएगा। अब क्योंकि सोल्यूशन किसका लिया गया है बच्चा, कॉपर सल्फेट का लिया गया है, तो सोल्यूशन में जो सल्फेट है वो मूव करके एनोड के तरफ दौड़ेंगे। तो जब एनोड के तरफ दौड़ेंगे तो इस एनोड के पास कॉपर प्लस है, तो ये नेगेटिव वाले कॉपर को खींचेंगे, यानी जो एनोड में जो कॉपर है उनके इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जा रहा है। तो एनोड के अंदर के जो कॉपर है, जो कि इंप्योर वर्जन है, तो एनोड के अंदर के जो कॉपर है वो चार्ज हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ऊपर भाग रहा है सब। तो जब ये कॉपर अंदर वाले चार्ज हो जाएंगे, तो इस सोल्यूशन में नेगेटिव सल्फेट आयन बैठा हुआ है, ये क्या करेगा कॉपर को खींचना शुरू कर देगा। तो होगा क्या कि ये जो एनोड वाला कॉपर है वो डिसॉल्व होगा। देखो ये डिसॉल्व वर्ड यूज किया है, यानी जो सोल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन है जो कि नेगेटिव रेडिकल है वो एनोड में से कॉपर को खींचेगा, जिससे कि हम बोलेंगे कि जो एनोड वाला कॉपर है वो डिसॉल्व होगा। अब होगा क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो सोल्यूशन का जो कॉपर है, सोल्यूशन में देखो सोल्यूशन किसका है बच्चा, कॉपर सल्फेट का, और कॉपर पे प्लस चार्ज है, सल्फेट पे क्या है माइनस चार्ज। तो सल्फेट तो भाई इधर भाग रहा है, लेकिन जो कॉपर सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है, कैटायन है, वो भागेगा नेगेटिव टर्मिनल के तरफ और इधर से सब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जो कैथोड है वहां पे जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन ले लेके कॉपर बनेगा। यानी होगा क्या कि जो कॉपर सोल्यूशन में है वो कैथोड पर आ आके इलेक्ट्रॉन ले लेके कॉपर बनेंगे और इस पे एक लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब समझ में आया क्या हो रहा है, वो क्या रहा है कि भाई एनोड के कॉपर डिसॉल्व होके सोल्यूशन में जा रहे हैं, जितना एनोड से सोल्यूशन में जा रहे हैं उतना ही सोल्यूशन से कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो यही लाइन यहां पे लिखा है कि ऑन पासिंग द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड से जो प्योर मेटल है वो डिसॉल्व होगा इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसके अंदर के कॉपर डिसॉल्व होके सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे। एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, जितना डिसॉल्व होके सोल्यूशन में जाएगा उतना ही अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉपर है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे। अब धीरे धीरे एनोड पतला होता जाएगा और कैथोड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में आ रहा है तो इससे मेटल प्योर कैसे हुआ, तो भाई
एनोड पे क्या है, इंप्योर वर्जन है, जो इंप्यूरिटीज है, यानी जो इस एनोड में, एनोड जो बना है कॉपर, इंप्योर कॉपर का बना है, तो इसमें इंप्यूरिटीज जो है बच्चा, जो इंप्यूरिटीज है, अब इंप्यूरिटीज दो तरह का होगा, एक सोल्यूबल और एक होगा बच्चा इनसोल्यूबल। तो जो सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है, जो सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है वो सोल्यूशन में घुली रहेंगी, घुली रहेंगी, ठीक है। और जो इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज है वो नीचे यहां पे जमा होना शुरू हो जाएगा, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे कि द सोल्यूबल इंप्यूरिटीज गो इनटू द सोल्यूशन, सोल्यूबल इंप्यूरिटीज सोल्यूशन में ही रह जाएगा, इनसोल्यूबल जो इंप्यूरिटीज है सेटल डाउन एट द बॉटम, बॉटम पे बैठना शुरू हो जाएगा एनोड के नीचे, क्योंकि एनोड पे ही प्योर है तो एनोड के नीचे इंप्यूरिटीज जमा होगा। तो इस इंप्यूरिटीज का एक कचड़ा सा बन जाता है, ढेरी बन जाता है, जिसको एनोड मड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एनोड मड। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो इसको क्या लिखा है, इंप्यूरिटीज, इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज है, यानी एनोड मड पे वैसी इंप्यूरिटीज इकट्ठा हुई है जो पानी में नहीं घुलती है, और जो घुलने वाली इंप्यूरिटीज है वो तो पूरे सोल्यूशन में फैल चुकी है। तो इस तरह से इधर से कॉपर घुल घुल के यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और जो इंप्यूरिटीज है या तो पानी में रह रही है या तो एनोड के नीचे बैठ रही है, और यहाँ कैथोड पे हमें एक प्योर मेटल मिल रहा है, सारी गंदगी बाहर हो गई यहाँ पे या तो सोल्यूशन में रह गई। तो ये जो मेथड है जिसमें हम करेंट का यूज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को, इस तरह से मेटल के रिफाइन करने के मेथड को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। तो अब हमें बच्चा मेटल मिल गया, कई प्रोसेस से हमें मेटल को निकाला है, हमने ओर डिस्कवर किया, ओर में कई फिजिकल प्रोसेस लगाया, कई केमिकल प्रोसेस लगाया, तब हमें प्योर ओर मिला, फिर ओर से हमने मेटल को अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया, और फिर अल्टीमेटली हमने मेटल को रिफाइन यानी प्योर किया। तो ऑब्वियसली इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, तो कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री ऐसा काम करेगा और उसका बहुत सारा पैसा उसमें खर्च होगा। अगर बहुत सारा पैसा खर्च होगा और जो हमें अब मेटल मिलेगा वो मेटल जब हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये मेटल रिएक्टिव होते हैं, कुछ को छोड़ के, मतलब कुछ तो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। जो रिएक्टिव मेटल है वो आसपास के जब इन्वायरमेंट में आएगा तो उसको एसिड से सामना होगा, उसको मॉइस्चर से सामना होगा, एयर से सामना होगा। तो ऑब्वियसली वो मेटल एसिड, मॉइस्चर, एयर से रिएक्ट करेगा और वो मेटल क्रोड होगा, खराब होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्रोजन कहते हैं। व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय, भाई इतना खर्चा करके हमने उसको निकाला है, बाहर लाए हुए, रिएक्टिव होते हैं मेटल, जो जितना रिएक्टिव उस मेटल को रखने में उतना ही खर्चा, उतना ही मेंटेनेंस। तो व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी क्रूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोजन। जैसे कि सिल्वर की बात करें, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर सिल्वर के आर्टिकल्स को लंबे समय तक हवा में छोड़ दोगे तो सिल्वर बच्चा हवा में थोड़ा बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसे रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, यानी सिल्वर का कलर धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो अब सिल्वर का जो ऊपरी लेयर है वो सिल्वर रहा ही नहीं, वो तो बदल गया सिल्वर सल्फाइड में। तो ये सिल्वर का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो सिल्वर खराब हो रहा है, इसी को क्रोजन कहते हैं, ठीक है।
उसी तरह से कॉपर अगर लंबे समय के लिए मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एयर में छोड़ दोगे तो स्लोली लॉसेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, यानी कॉपर का भी जो ब्राउन कलर का होता है चमकता है वो सरफेस ग्रीन होना शुरू कर देगा, यानी कॉपर पे ग्रीन कोट आ जाएगा। दिस ग्रीन सबस्टांस इज मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कॉपर क्या करता है हवा में CO2 ऑक्सीजन वाटर सबके साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर बनाता है, और कॉपर पे जो ग्रीन कोटिंग आता है वो कॉपर कार्बोनेट के चलते आता है, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है। तो भाई जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, किसी कंपाउंड में बदल रहा है, यानी कॉपर कॉपर जैसा नहीं रह रहा है, वो खराब हो रहा है, क्रोड हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्रोजन। ठीक है, उसी तरह से आयरन का जो क्रोजन है इसको तो सब जानते हो, आयरन एक्चुअली हमारे डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, विंडोज बनाने में, हर जगह देखा जाए तो आयरन ज्यादा यूज होता है। और आयरन की एक सबसे खराब बात है कि आयरन मोइस्ट एयर में, यानी जब आयरन बचा मोइस्ट एयर मतलब ऑक्सीजन, मतलब पानी और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिलेगा तो आयरन का रस्टिंग होना शुरू हो जाता है, यानी आयरन का जो क्रोजन है ना, आयरन का जो क्रोजन है और आयरन के क्रोजन से जो चीज बनता है उसको रस्ट कहते हैं, और इसलिए आयरन के क्रोजन का एक स्पेशल नाम है रस्टिंग। क्या नाम है बच्चा? रस्टिंग नाम है। ठीक है, लंबे समय तक छोड़ने पे एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस आ जाता है जिसे रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। तो यह एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जो आयरन है, आयरन के रस्टिंग के लिए दो चीज होना जरूरी है, दोनों चीज एक साथ रहेगा तभी होगा, यानी ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी इसको हम बोल सकते हैं मोइस्ट एयर। क्या बोल सकते हैं बच्चा? मोइस्ट एयर यानी नमी हवा, नमी। तुमने देखा होगा आयरन का रस्टिंग बरसात में, रेनी सीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि रेनी सीजन में हवा में पानी मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ जाता है, गर्मी में ड्राई एयर होता है, पानी होता नहीं है, रस्टिंग होता नहीं है। फिर भी एक तुम्हारे बुक में एक्सपेरिमेंट दिया है, इससे तुम आसानी से समझ सकते हो। तीन टेस्ट ट्यूब लेना है, तीनों में दो तीन आयरन नेल रख देना है, एक टेस्ट ट्यूब में पानी रखना है और ऊपर एयर है, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है बी, इसमें पानी में पूरी तरीके से आयरन नेल को डुबो दो, ठीक है। बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लेना, याद रखना बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लेना है, बॉइल्ड टू रिमूव एनी डिजॉल्व एयर। मतलब यहाँ पे बॉइल क्यों किया जा रहा है? बॉइल इसलिए किया जा रहा है कि तुम पानी में हवा रहता है, अगर वो हवा ऑलरेडी पानी में है तो फिर क्या होगा बताओ? फिर तो हवा है, पानी है, रस्टिंग हो जाएगा। तो ये जो पानी इसमें लिया गया है नॉर्मल पानी नहीं है, बल्कि इसको बॉइल कर दिया गया है। तुमने देखा होगा जब बीकर में या किसी सस्पेन में पानी हीट करते हो तो बबल्स बनते हैं, ये बबल्स एक्चुअली पानी में डिजॉल्व एयर होते हैं। तो इस डिजॉल्व एयर को पानी से निकालने का एक ही तरीका है कि बॉयल कर दो। तो बॉयल करोगे तो ये अब जो पानी है इसमें एयर ट्रैप नहीं है, और इसमें ऊपर हम लेयर ऑफ ऑयल रख देंगे जो अब बाहर की हवा को आने नहीं देगा। यानी यहाँ पे ऑयल डालने का मकसद है कि एयर जो है अंदर ना आए, यानी यहाँ पे इस आयरन के सराउंडिंग में केवल पानी है, एयर है नहीं, यानी ऑक्सीजन नहीं है। और तीसरा जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमें ड्राई एयर ले रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे आसपास का जो एयर है मोइस्ट हो, तो ड्राई एयर बनाने के लिए हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे, जिसको ड्राइंग एजेंट भी कहा जाता है, पहले भी इसका पढ़ा है तुमने। कैल्शियम क्लोराइड पानी को बच्चा ऑब्जर्व कर लेता है, अगर इस एयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी अगर होगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा कि इसमें से आयरन में से पानी को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। यानी कैल्शियम क्लोराइड के रखने से ये इस ट्यूब के अंदर जो एयर है बिल्कुल ड्राई है, यानी हम बोले तो यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे
यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे दोनों है। कुछ दिन छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए की जो आयरन नेल है उनका रस्टिंग हो जाता है, बट इनका रस्टिंग नहीं होता है। इसका क्या रीजन है कि यहाँ पे बच्चा वाटर और एयर दोनों मिल रहा है, यानी ये बात इस चीज को प्रूव करता है कि रस्टिंग के लिए हमें दोनों चीज चाहिए, एयर भी और वाटर भी। केवल वाटर है या केवल ड्राई एयर है तो रस्टिंग नहीं होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट, इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हो जाता है कि रस्टिंग के लिए हमें दोनों चीज चाहिए, एयर भी और वाटर भी। रस्टिंग ऑफ आयरन, करेक्ट, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम इट गेट कवर्ड विथ रेड ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस। जब आयरन को लंबे समय के लिए छोड़ देते हो डंप एयर में, मोस्ट एयर में, तो उसके ऊपर एक ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का फ्लैकी सबस्टेंस, यानी भुरभुरा। फ्लैकी का मतलब छुओगे तो ऐसे भुरभुर करेगा, भुरभुरा समझो ना भाई, भोजपुरी शब्द है, ठीक है, कॉल्ड रस्ट। इस ये जो फ्लैकी सबस्टेंस है ये रस्ट होता है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अगर रस्ट की बात करें तो एक्चुअली वो आयरन ऑक्साइड ही है, बट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। रस्ट में कुछ पानी के मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं जिसकी संख्या फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग। तो अभी जो एक्टिविटी हमने देखा उसमें हमने देखा कि भी रस्टिंग के लिए एयर का होना जरूरी है, यानी ऑक्सीजन का होना जरूरी है। दूसरा चीज वाटर का होना जरूरी है। दोनों एक चीज एक साथ मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर, यानी मोस्ट एयर, ठीक है, यानी वैसा एयर जिसमें पानी भी है तो रस्टिंग तेजी से होगा। जैसे कि रेनी सीजन में तुमने देखा होगा कि रस्टिंग तेजी से होता है। अब चूंकि रस्टिंग क्रोजन जैसी फेनोमेना हो रही है जो मेटल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए मेटल को बचाने के भी तरीके ढूंढे गए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे बच्चा, डेट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, यानी मेटल को क्रोजन से कैसे बचाया जाए। ऑब्वियसली भाई इतना खर्चा करके मेटल को एक्सट्रैक्ट रिफाइन किया जा रहा है और मेटल जब बाहर आ रहा है तो उसके डिस्ट्रक्शन के चांसेस है, क्योंकि वो जब बाहर आएगा तो एसिड मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा ही आएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी, स्पेशली अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, तो आयरन, आयरन को क्रोजन से बचाने का ज्यादा हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आयरन ही सब जगह यूज होने वाला मेटल है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है। तो यहाँ पे कह रहे कि द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई फ्लोइंग मेथड, पेंट करके। तुमने देखा होगा घर में खिड़की, गेट, फाटक जो भी लगते हैं उनको पेंट किया जाता है। पेंट करने से क्या होता है कि जो आयरन है, आयरन के ऊपर एक पेंट का लेयर आ जाता है जो कि एयर से कॉन्टैक्ट तोड़ देता है, तो रस्टिंग होगा नहीं। उसके बाद ऑयलिंग करके, यानी आयरन के ऑब्जेक्ट पे ऑयल लगा दो, ऑयल भी एक पतला सा लेयर बना देता है जिससे कि एयर से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है। ग्रीज लगाकर, ये सब पेंट, ऑयल, ग्रीज, ये सब क्या करते हैं, एयर से कॉन्टैक्ट तोड़ देते हैं। उसके बाद बच्चा लिखा है गल्वनाइजिंग। गल्वनाइजिंग का मतलब होता है गल्वनाइज करके, इसका मतलब होता है, गल्वनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आयरन पर जिंक का लेयर डिपोजिट कर देना। जब आयरन पर हम जिंक का लेयर डिपोजिट कर देंगे तो इस प्रोसेस को गल्वनाइजेशन कहते हैं। तुमने देखा होगा नट बोल्ट जो आते हैं वो आयरन के होते हैं लेकिन उसके ऊपर जिंक का लेयर डिपोजिट होता है, ठीक है। तो गल्वनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी स्टील और आयरन पे एक पतला सा जिंक का लेयर जब चढ़ा देते हैं, ये भी एक्चुअली मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड कहा जाता है, तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के थ्रू जिंक का जब लेयर चढ़ा देते हैं आयरन पे और तुम्हारे स्टील पे एक पतला सा लेयर चढ़ा देते हैं, तो भाई ये जिंक का लेयर एयर से कॉन्टैक्ट तोड़ देता है।
The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. अगर जिंक का कोटिंग ब्रोक टूट भी जाता है, थोड़ा सा स्क्रैच भी आ जाता है जिंक के लेयर में, तो भी आयरन प्रोटेक्ट रहता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? तो जिंक आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चलाना गल्वनाइजेशन कहलाता है। क्रोमियम क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है बच्चा? आयरन पे क्रोमियम का लेयर चढ़ाया जाता है। तुमने देखा होगा जो जो बाइसाइकल्स होते हैं, जो साइकिल्स होते हैं, उनके रिम पर उनके हैंडल इतना चमकता है। क्यों चमकता है? बना रहता है आयरन का, लेकिन उसके ऊपर एक क्रोमियम का एक लेयर चढ़ाया जाता है, जिसको क्रोमियम प्लेटिंग कहा जा सकता है। पूरी क्रोमियम के, क्रोमियम की साइकिल क्यों नहीं बनाई जा सकती है? क्योंकि भाई क्रोमियम महंगा है। हम बनाते हैं आयरन का, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम का एक परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम बहुत ज्यादा चमकता है और आयरन को सेफ रखता है। उसके बाद एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। एनोडाइजिंग तो तुमने देखा होगा बच्चा, एनोडाइजिंग जैसे एल्युमिनियम के लिए होता है। एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना एनोडाइजिंग कहलाता है। मैंने शुरू में डिस्कस किया इस टॉपिक को। उसके बाद एक और तरीका होता है मेटल को बचाने का, दैट इज मेकिंग एलॉयज। एलॉयिंग एक बेस्ट तरीका है मेटल को क्रोजन से बचाने के लिए, या एलॉयिंग से हम एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाला हम क्या बनाते हैं बच्चा, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं मेटल का एक, मतलब हम जो चाहें अलग अलग मेटल को मिला के हम एक अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं, जिसको एलॉय कहते हैं। एलॉय क्या होता है? एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन मेटल्स। जब दो या दो से अधिक मेटल को होमोजीनियस तरीके से, यानी बढ़िया से एक आपस में मिला देते हैं, तो एलॉय एलॉय बनता है। और ये मेटल एंड नॉन मेटल, अच्छा देखो, दो या दो से अधिक मेटल का भी एलॉय हो सकता है और एक मेटल और नॉन मेटल का भी एलॉय हो सकता है। जैसे कि स्टील, स्टील क्या होता है बच्चा? आयरन में थोड़ा बहुत कार्बन होता है, आयरन में थोड़ा बहुत क्या होता है? कार्बन होता है। अब देखो, एलॉयिंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एलॉयिंग करके मेटल की प्रॉपर्टी भी हम अपने हिसाब से सुधार सकते हैं। मेटल को हार्ड बना सकते हैं, मेटल को हम अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं या पुअर कंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है। मेटल की रेसिस्टिविटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी एलॉयिंग करके केवल क्रोजन से बचाना ही मकसद नहीं है, बल्कि एक डिजायर्ड हम जो जैसा चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का एक मेटल बना सकते हैं। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। मतलब पहले एलॉय बनाते समय एक 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 मेटल ज्यादा अमाउंट में होता है, तो उसको प्राइमरी मेटल कहेंगे। उस प्राइमरी मेटल को पहले पिघलाया जाता है, एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। बाकी दूसरा जो भी मेटल मिलाना होता है उसको फिर इसमें मिलाया जाता है। इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा, अमालगम क्या होता है? अगर एलॉय ऐसा एलॉय है जिसमें ना एक एलिमेंट मरकरी हो, यानी एलॉय में अगर थोड़ा सा भी मरकरी आ गया, तो उस तरह के एलॉय को अमलगम कहते हैं। इफ इन एलॉय वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, दूसरा मेटल है उससे मतलब नहीं है। एलॉय अगर बना रहे हैं उसमें अगर एक मेटल मरकरी आ गया, तो उस एलॉय को अमलगम कहा जाता है। ये चीजें पता होना चाहिए। अब देखो, कुछ एलॉय का नाम दिया है और यहाँ पे कंपोनेंट दिया हुआ है, जैसे कि हार्ड आयरन। हार्ड आयरन में बच्चा आयरन प्लस कार्बन होता है, अबाउट 0.05%, बहुत कम मात्रा में कार्बन होता है। जैसे ये मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, यानी एलॉय में मेटल और नॉन मेटल को भी मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील, आजकल इसी के बर्तन आ रहे हैं बच्चा, आयरन में निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील होता है। तो इसमें प्राइमरी मेटल आयरन है, इसमें भी प्राइमरी मेटल आयरन है। ब्रास, ब्रास में क्या होता है बच्चा? कॉपर में जिंक को मिलाया जाता है, इसमें प्राइमरी मेटल कॉपर होता है, जो कि 70% कॉपर होता है। परसेंटेज आपके सिलेबस में नहीं है कि कौन कितना है,
ठीक है, ब्रोंज, ब्रोंज में बच्चा कॉपर और टीन का एलॉय होता है। सोल्डर, जो वायर को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, लेड और टीन का मिक्सचर होता है, मतलब एलॉय होता है। 22 कैरेट गोल्ड, बच्चा इसमें 22 पार्ट गोल्ड होता है और 2 पार्ट्स इधर कॉपर और सिल्वर होता है। यानी देखो, जो प्योर गोल्ड होता है बच्चा 24 कैरेट का कहा जाता है। यानी प्योर गोल्ड ज्वेलरी के लिए सूटेबल नहीं होता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसीलिए गोल्ड को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए हम उसमें या तो कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं। अब 24 से आंकड़ा लगाया जाता है, 24 से जितना कम कर दोगे गोल्ड को, उतना ही कैरेट का गोल्ड बनेगा। जैसे कि अगर 24 भाग में हम बात करें, 24 में अगर 22 भाग हमने, 22 पार्ट हमने ले लिया गोल्ड, तो बचा 2 पार्ट या तो हम कॉपर लेंगे या तो सिल्वर लेंगे, तो ये बनेगा 22 कैरेट का गोल्ड। अगर हम 20 भाग लिए, क्या लिए, गोल्ड, और 4 भाग हमने ले लिया, क्या बचा, सिल्वर या कॉपर ले लिया, तो ये 20 कैरेट का गोल्ड बनेगा। यानी 24 से जितना कम गोल्ड लोगे उतना कैरेट का गोल्ड बनेगा। यानी अगर मैं कहूं कौन सब, मतलब कौन 22 कैरेट का गोल्ड ज्यादा अच्छा है कि 20 का या 18 का, तो भाई 22 कैरेट का सबसे प्योर गोल्ड क्या होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो ये क्यों, मतलब गोल्ड में हमें सिल्वर और या कॉपर क्यों मिलाना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्योर गोल्ड है वो सॉफ्ट है, उसकी ज्वेलरी नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा हम उसमें हार्डनेस, मजबूती लाने के लिए कॉपर या सिल्वर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो लास्ट टॉपिक बच गया बच्चा एनोडाइजिंग, मैंने शुरू में भी डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियो में पीछे जाके इसको देख सकते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है कि बच्चा पानी में क्या करते हैं, एल्युमिनियम का एनोड बना देते हैं, एल्युमिनियम का, और बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं और माइनस वाले कैथोड को ऐसे डुबकी लगा देते हैं। पानी में थोड़ा बहुत एसिड डाल देते हैं, एसिड डालने से अच्छा से पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा पानी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। यह हाइड्रोजन आपने पढ़ा है कैथोड पे बनता है और ऑक्सीजन एनोड पे बनता है। एनोड पे चूंकि एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम पे ऑक्सीजन बनता है, और ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम से रिएक्शन करके एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करता है और इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। इन एल्युमिनियम को अभी अगर हमें प्रोटेक्शन देना है तो एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना एनोडाइजिंग कहलाता है। नेचुरली भी एल्युमिनियम पे एक परत चढ़ जाता है। एल्युमिनियम को अगर हवा में छोड़ दो, खुले हवा में छोड़ दो, तो धीरे धीरे एल्युमिनियम हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक पतला सा एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है। बट इस लेयर को मोटा करने के लिए, थिक करने के लिए हम एनोडाइजिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर डाउट कोई रहता है तो कमेंट करें। थैंक यू।